हाय एवरीवन, हमने जैसे कि अपने पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग में डीसा के जो हमने सेशन अटेंड करा था उसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में, जो कि चैप्टर वन का पार्ट वन था। उसी तरीके से उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे उसी का चैप्टर वन का पार्ट टू, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल से डाउट्स जो मेरे पास आए थे मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, सो दैट अगर आपके भी वो डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएँ। पहला डाउट जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि हम ये जो क्लासेस ले रहे हैं ये क्लासेस पीटी के सिलेबस से मैच नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे आगे भी, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो ई लर्निंग टेस्ट के लिए है, जो आपको पीटी से पहले क्लियर करना होता है। पीटी में आप बैठने के लिए तभी एलिजिबल होते हो जब आप ई लर्निंग टेस्ट जो है वो क्लियर करते हो, जो मैंने आपको बताया था कि आपको 30 में से 10 मार्क्स लाने होते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट डाउट। तो ये हमारा जो सेशन है वो ई लर्निंग टेस्ट के लिए है। उसके बाद जो मेरे को आया था वो ये आया था कि अगर सपोज हम टेस्ट देते हैं और हम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो क्या हम डीसा के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली अगर आप सपोज आप एक बार टेस्ट देते हो और नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपके पास फर्दर 4 और अटेम्प्ट्स होते हैं। आपको टोटल इन टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो आप ई लर्निंग टेस्ट के लिए, ई लर्निंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 5 अटेम्प्ट्स में कोई ऐसा रहेगा जो मतलब 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स भी नहीं लाएगा। इट्स क्वाइट ईजी, आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल है बहुत ही, और इवन आप अगर अपना इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड मटेरियल देखेंगे तो वो मटेरियल भी बहुत ही रॉ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा। और उसके लिए आपको कुछ ऑलरेडी टेकी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज की पहले एडवांस में नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजीली उसको समझ में आएगा। उसके बाद देयर वाज़ अ क्वेश्चन कि अगर हम पीक्यूसी के लिए मतलब एक तो देयर वाज़ बेसिकली एक ही क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से था। पहला वॉज कि उन्होंने पीक्यूसी के लिए रजिस्टर कर रखा था, बट तो अगर आपने भी पीक्यूसी के लिए रजिस्टर कर डीसा 3.0 के लिए रजिस्टर कर रखा था, तो अगर आपने भी रजिस्टर कर लिया, अपनी फीस पे कर दी है, बट आप बैचेस अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ आप बैचेस इसलिए नहीं अप्लाई कर पा रहे हो क्योंकि आपने ई लर्निंग का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं करा होगा। ई लर्निंग का टेस्ट जो है वो आपको pqc.ici.org पे नहीं मिलता, क्योंकि आप वहीं पे देख रहे होते हैं जहाँ पे आपने डीसा के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो ई लर्निंग का जो आईसीआई का पोर्टल है जो है आपका learning.ici, उस पर आपको जाके इस कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है जो ई लर्निंग टेस्ट का होता है। आपको उस पर जाके आप उस पर टेस्ट देते हैं एंड देन वो आपका अपडेट होता है। और इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई डेट नहीं निकलती है कि आपको अब एग्जाम्स हो रहे हैं आप एग्ज़ाम दे दीजिए। आपका जब मन करे आप जाके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने घर से ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस एग्ज़ाम्स के लिए, आपको अपने घर से ही बैठे बैठे वो एग्ज़ाम देना होता है। आप उसको पहले पढ़िए, वो जो मतलब द पर्सन द लेडी रोबोट जो बोल रही है आप उसको सुन लीजिए एंड देन आप वो एग्ज़ाम दे दीजिए। असेसमेंट टेस्ट, ई लर्निंग टेस्ट वो आप दे दीजिए एंड देन आपका जो pqc.ici पे है उसका वो जैसे ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर होता है वहाँ पे आपका, जैसे मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो मैंने रात में दिया था अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास, तो मेरा नेक्स्ट डे वो अपडेट हो गया था कि आपने जो टेस्ट है वो ई लर्निंग वाला क्लियर कर लिया, तो आप पीक्यूसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो पीक्यूसी नहीं, पीटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो जो पीटी के बैचेस होते हैं वो निकलते रहते हैं मोस्टली, तो उसके लिए आप अप्लाई तभी कर पाते हो जब एक आपने ई लर्निंग क्लियर कर रखा हो, दूसरा आपकी पेमेंट हो रखी हो, रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। पेमेंट के बाद भी 2 दिन लेते हैं, जो हमारा pqc.ici का वेबसाइट है वो 2 दिन ले लेता है टू प्रोसेस द पेमेंट। तो मेक श्योर कि आप पेमेंट जो है वो 2 दिन एडवांस में करके रखिए, सो दैट मतलब जैसे सपोज अगर आपको ई लर्निंग टेस्ट देना है, वैसे तो बैठे रहे आप पहले ही दे दीजिए, आप पहले पेमेंट कर लीजिए और उसके बाद ई लर्निंग का टेस्ट दे दीजिए। बट इनकेस अगर आप देख रहे हो, पहले पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, पहले ई लर्निंग का जो आपका मॉड्यूल है उसको समझ रहे हो कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता या और कुछ आपके रीजंस हैं, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उसको पहले ई लर्निंग का एग्ज़ाम दे दीजिए या फिर आप उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जब जब आपको लग रहा है कि अगले 2 दिन बाद आपको टेस्ट देना है, आप 2 दिन पहले पेमेंट दे कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन लेता है इंस्टीट्यूट का वेबसाइट। और जनरली क्या होता है, जो बैचेस निकलते हैं
वो आपको बाहर तो दिख रहा होता है कि बैचेस, ये बैचेस जो है वो फोर्थ कमिंग बैचेस में आपको पीक्यूसी की वेबसाइट पे दिख रहा होता है, बट होता क्या है कि कभी कभी जो वो बैचेस होते हैं वो आपको लॉग इन करने के बाद ही पता चलता है कि वो फुल हो चुके हैं, तो ऐसा भी होता है. तो बहुत जल्दी जल्दी बैचेस निकलते हैं और फुल हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा. और अब हम फिर पढ़ते हैं एक बार अपना जो हमारा चैप्टर वन था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमारे फोर पार्ट्स थे, कंप्यूटर हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस एंड डीबीएमएस, एंड फोर्थ वन वाज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज. तो स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे इंस्टीट्यूट के ही बैकग्राउंड मटेरियल की, जिसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे. तो ये है हमारा बैकग्राउंड मटेरियल जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं आज. ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है. अब पहले सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फ़र्क समझने से पहले एक बार ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्यों बनाया जाता है सॉफ्टवेयर. अब कुछ ऐसे हमारे काम होते हैं डेली लाइफ में जो ना बहुत रिपीटेडली हो रहे होते हैं, है ना. अब वो काम जो हमारे बहुत रिपीटेडली हो रहे होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि इन कामों को हम कंप्यूटर की हेल्प से कर देते हैं, क्योंकि ये काम तो सिमिलर नेचर के हैं और रिपीटेडली हो रहे हैं. तो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो कर लेता है. जब भी उसको सिमिलर हम इनपुट्स देते हैं, वो कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम करता है और हमें आउटपुट डिलीवर कर देता है. तो बेसिकली हमने ये जो सारा सिस्टम में वो डाला, सॉफ्टवेयर में हमने जो सिस्टम में या फिर हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले, तो ये जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले हैं वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही एक तरह से सॉफ्टवेयर है. अब देखते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो तरीके के होते हैं. अच्छा, और सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कि मैं जो अब मैंने जैसे मैंने बोला कि मैं सिमिलर तरीके का काम कर रही हूँ बार बार और उसको रिपीटेडली नेचर में हो रहा है, तो मैंने एक उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया. अल्टीमेटली मेरा गोल क्या रहा? मेरा गोल ये रहा कि जब मैं एक पर्टिकुलर काम करूँ, जैसे सपोज अगर मैं डेबिट की एंट्री करूँ या क्रेडिट की एंट्री करूँ, तो मेरा कैश जाके अपने आप इफेक्ट हो जाए मेरी बैलेंस शीट में भी. ठीक है, तो मेरा काम क्या रहा, मेरा मेन गोल क्या है कि मेरी बैलेंस शीट रेडी हो जाए खुद से, मुझे ना करनी पड़े. इसलिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का सोच रही हूँ जिसका नाम है टैली. ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप करना है वो मैंने करना है मेरी जो मेरे गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, अब उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ बेसिक सी चीज़ें भी चाहिए. जैसे कि बेसिक सी चीज़ें मुझे क्या चाहिए, मुझे उसमें कैलकुलेशन की डिटेल्स जाननी पड़ेगी, मुझे उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, जिससे कि वो जो कि बहुत ना बेसिक हैं, जो कि मेरे लिए अलग से मुझे मतलब स्पेसिफिकली नहीं है कि मुझे सिर्फ टैली में ही चाहिए होता है, मुझे जनरली भी चाहिए होता है. ठीक है, अब मुझे एक माउस अगर है, जैसे एक माउस है और मैं उससे जाके किसी जगह पे क्लिक करती हूँ और वो फोल्डर का वो पाथ खुल जाए, ये भी एक बेसिक सी चीज़ है जो मुझे चाहिए होती है अपना कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए या मेरे टास्क तक, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए. तो उसके लिए क्या बनाया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली आपके गोल्स तक नहीं पहुंचाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो आपको अपने डायरेक्टली गोल तक पहुंचाएगा. और वो जो सॉफ्टवेयर आपको अपने डायरेक्टली गोल तक पहुंचा रहा है वो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो हमारे दो सॉफ्टवेयर हो गए, एक सॉफ्टवेयर हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि छोटी छोटी से उससे बना हुआ है, जैसे कि आपके इसमें भी, जैसे कि आपकी प्रिंट की कमांड है वो आपके सिस्टम में इनबिल्ट है, आपको उसके लिए अलग से एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर सपोज आपको टैली आप इंस्टॉल करा अपने अपने सिस्टम पे, तो टैली वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने टैली में अलग से क्या प्रिंट की कमांड डाली होगी, उन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ उसको लिंकेज करा होगा इस तरीके से कि आपके जो कमांड्स हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में है वो आपकी इनबिल्ट आ जाए इसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हेल्प कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको क्या कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हेल्प कर रहा है. अब अगर सपोज मुझे कोई फाइल यूज करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फाइल मैनेजमेंट आ रहा है कहीं पे,
डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटा कम्युनिकेशन आ रहा है, एक्सेस कंट्रोल आ रहा है, टेप एंड डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जॉब स्केड्यूलिंग, मिडलवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स. अल्टीमेटली इन सब को अगर आप देखोगे ना, अगर आप सिर्फ अभी इनकी डिटेल मीनिंग्स में ना जाते हो, अगर इनका आप सिंपल सिंपल सा मीनिंग समझोगे जो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इनमें से कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ऐसा नहीं है जो आपका स्पेसिफिकली आपके वो जो टास्क है आपका बैलेंस शीट बनाना उसमें आपको हेल्प करने वाला है. लेकिन अगर इनमें से ये जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर ये ना हो, सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो आपका काम कैसे होगा? आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हाउ विल यू रन योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आप टैली कैसे चलाओगे? ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, अगर सपोज मेरे पास जीमेल ना हो, मैं जीमेल ना हो, मैं मेलिंग वो ना हो, मेरे पास यूटिलिटी ना हो, तो मैं कैसे अपना जो मेरा काम है कि मेरा अल्टीमेटली आई एम अ ऑडिटर और मेरा काम है कि बैलेंस शीट बना के मुझे अपने जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको भेजनी है, शेयर होल्डर्स हैं उनको भेजनी है, कैसे भेजूंगी मैं विदाउट डाटा कम्युनिकेशन? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपको आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने में हेल्प करती है. एंड दीज ऑल थिंग्स आर not directly helping you in your accomplishing your goal, but indirectly helping you. ठीक है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि SAP है, ईमेल सर्वर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के हैं, उसको भी देखते हैं. तो ये हमारा बेसिक सब होता है जो हमने देख लिया कि अब मतलब इस वाले पॉइंट में 2.1.1 सॉफ्टवेयर में हमने क्या पढ़ना है. अब एक बार इसको क्विक रीड करते हैं. Software consists of clearly defined instruction sets that upon execution tell a computer what to do. Kya karna hai? It is a set of instructions which when executed in a specified sequence accomplishes desired task. The most critical function of software is to direct the working of computer hardware. This causes a computer to perform useful tasks. There are two broad categories of software. One is system software और दूसरा क्या है हमारा application software. System software कहता है क्या है? It is a collection of computer programs जो use किया जाता है in designing, processing and control of application software. यानी कि ये तो बनाया ही application software के लिए गया है, इसका खुद से कोई वो नहीं है. ये बनाया ही किस लिए गया है? कि ये एक application software को help कर सके. अगर आपके पास basic computer नहीं होगा तो आप कोई सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करोगे? तो ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शंस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर्स. जो आपके हार्डवेयर्स कनेक्टेड रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर नहीं सिस्टम के साथ, उनको कनेक्ट करता है. इट इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट द प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन. These refers to the set of programs that enable a computer to work, काम करने देता है computer को, control करता है computer की working, provide करता है facilities for programmers to develop applications. Ultimately क्या कर रहा है? आपके application software को बनाने में, process करने में और control करने में आपकी मदद कर रहा है. Enable various input-output devices to be connected. ठीक है. Help करता है in efficient use of computer resources. और इसमें क्या क्या include है हमारे, हम अभी देख चुके हैं. उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके डायरेक्ट गोल्स को पूरा करता है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स इंटरैक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर मैं अभी कोई भी एप्लीकेशन खोलती हूँ, टैली खोलती हूँ, तो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर रही हूँ. इट रेफर्स टू द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन डायरेक्टली टू द एंड यूजर. ये मेरे लिए ही काम कर रहा है. ये दिस इज नॉट वर्किंग फॉर द डेवलपर, दिस इज वर्किंग फॉर मी. It is a collection of programs which address a real-life problem for its end users, maybe businesses or scientific or any other problem. वो तो depend करता है आप किस तरीके के instructions दे देते हो, उसी तरीके का computer काम कर लेगा. There are varieties of application software for different need of users. Some of the application programs could be application suite, MS Office हो गया, enterprise software. जो आपके पूरे एंटरप्राइज के लिए है, जैसे कि ERP एप्लीकेशंस हो गई, आई एम सॉरी, लाइक SAP. एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, जैसे कि ईमेल सर्वर्स हैं, सिक्योरिटी सर्वर्स हैं.
इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर्स. अल्टीमेटली आप देखोगे ना ये सारे के सारे आपको डायरेक्ट आपका काम करके दे रहे हैं. मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आपको मीडिया के लिए हेल्प करके दे रहा है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपको एजुकेशनल रिलेटेड हेल्प दे रहा है, कंटेंट एक्सेस आपको मीडिया प्लेयर्स वगैरह हो गए, इंफॉर्मेशन वर्कर ये सब. क्वेश्चन आता है SAP कौन सा सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो आपको बोलना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मेजर दो पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वो फर्दर एक सब पार्ट हो गया, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलना है. ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको हेल्प करे. ठीक है, पढ़ लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने ऊपर पढ़ा था इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड फर्मवेयर दैट परमिट्स शेयरिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज. शेयरिंग एज वेल एज यूज ऑफ रिसोर्सेज. कैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं? इट मे बी हार्डवेयर, इट मे बी अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो. मतलब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच एक्ट एज इंटरमीडियरी एजेंट बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज अमंग वेरियस प्रोसेसेस, ऑल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स मैनेजर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ रैम सीपीयू एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज विच इंक्लूड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज हेल्ड इन द मशीन. मशीन इज योर कंप्यूटर. It also enables the users to interact with the system and takes care of technical aspects of computer's operation. It shields the user of the machine from low-level details of the machine's operation and provides frequently needed facilities. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया. सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है ना हमारा. एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो क्या कर रहा है, जो एंड यूजर को अपनी डिटेल्स एंटर करने के लिए अलाउ कर रहा है. आपको हार्डवेयर तक भी पहुंचा रहा है, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक भी पहुंचा रहा है. तो अल्टीमेटली आपको क्या कर रहा है, आपको एक किसका, एक तरह से एक पुल का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, एक सारी चीजों को एक साथ मैनेज करके चल रहा है. ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. One is single user operating system, one is multi user operating system, one is multi processing operating system and one is real time operating system. अब single user operating system का मतलब क्या होता है कि अगर आप काम कर रहे हो उस particular operating system पे तो और कोई काम नहीं कर सकता. वो ये नहीं कह रहा कि आप एक ही काम कर सकते हो, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या, आप मल्टीपल काम कर सकते हो उसमें? हाँ आप कर सकते हो. इसका मतलब आप मल्टीटास्किंग उसमें कर सकते हो. तो वन यूजर यूजेस सिस्टम एट वन टाइम, इट कुड डू सिंगल और मल्टीपल टास्क. यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिंगल टास्किंग, कैन बी मल्टीटास्किंग. एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका MS-DOS, और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं MS Windows 7 और 8. ठीक है, फिर है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब जो आपका एक ही कंप्यूटर मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे. एग्जांपल यूनिक्स, विंडोज 7 और 8. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे था हमारा सिंगल यूजर, मे बी मल्टीटास्क आ गया आपका एमएस विंडोज 7 और 8, और यहाँ पे मल्टी यूजर में भी आ गया आपका विंडोज 7 और 8. तो ऊपर देखो, ऊपर है आपका एमएस विंडोज 7 और 8 और नीचे है विंडोज 7 और 8. क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? नहीं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. बट क्यों इसको फिर अलग से मेंशन किया गया? द आंसर इज, इसको यहाँ पे मल्टीटास्क सिस्टम के अगेंस्ट आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बोला गया है, क्योंकि हालांकि विंडोज जो है वो, मतलब ऑलमोस्ट विंडोज XP के बाद से आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट होना शुरू हो गया, क्योंकि आप उसको एक्सेस कर सकते हो रिमोटली भी, लेकिन फिर भी यूनिक्स के कंपेयर में नहीं कर सकते.
तो इसलिए उसको अभी भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाला गया है. देन वी हैव मल्टी यूजर, वी हैव इट, देन वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी तक हम देख रहे थे सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर. सिंगल यूजर में वी हैड सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग, एंड देन नाउ वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. वट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब जो डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही साथ, एक ही सिस्टम पे डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर सके. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन सिस्टम विद मोर देन वन प्रोसेसर. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स. टाइटली कपल्ड सिस्टम्स, बाद में हम लूजली कपल्ड भी पढ़ेंगे, डिफरेंस वहीं पे आएगा. हैव मोर देन वन प्रोसेसर इन क्लोज कॉम्युनिकेशन. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देती हूँ कि जैसे होता क्या है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रही होती हो तो क्या उस सॉफ्टवेयर में पूरी एक ही कमांड चली जाती है? नहीं जाती है. उस सॉफ्टवेयर में छोटी 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 मल्टीपल कमांड्स होती है. तो जब उसमें आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक छोटी कमांड के लिए एक अलग वो मतलब सॉफ्टवेयर बना के और फिर उसके बाद एक मर्ज कर देते हो सॉफ्टवेयर को, तो उसको बोलते हैं लूजली कपल्ड. और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में कोई डिफेक्ट रह जाए या फिर कोई चेंज आ जाए. हम तो ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे चेंजेस इतने फ्रिक्वेंटली आते हैं. तो अगर कोई चेंज आ जाता है, जैसे सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया टैक्सेशन के ऊपर और कल रेट चेंज हो गया, तो आपने उस रेट को फटाफट चेंज करा सॉफ्टवेयर में, बाकी चेंजेस नहीं करे और ना ही आपको पूरा सॉफ्टवेयर फिर से बनाना पड़ा, है ना? तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना वो लूजली कपल्ड थे. मतलब हर एक चीज़ के लिए एक अलग कमांड थी और एक अलग, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती थी. और चीज़ें छेड़ने से वो कमांड नहीं हिलती थी और उस कमांड को छेड़ने से बाकी चीज़ें नहीं हिलती थी. ठीक है, तो वो था लूजली कपल्ड. यहीं पे ही हो गया हमारा लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड भी. ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स हैव मोर देन वन प्रोसेसर इन क्लोज कॉम्युनिकेशन. शेयरिंग द कंप्यूटर बस, द क्लॉक एंड समटाइम्स मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. मतलब ये कि आपने क्या करा, एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा दिए जो सारे अलग अलग काम भी कर रहे हैं. तो उसके एडवांटेजेस क्या रहे आपके? एक तो आपका थ्रोपुट टाइम बढ़ गया. थ्रोपुट टाइम हमने शायद पिछली जो हमारा चैप्टर था उसमें भी देख लिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना काम कर पाते हो, वो थ्रोपुट है. तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स मोर वर्क कैन बी डन इन लेसर टाइम. तो थ्रोपुट जो है वो आपका इंक्रीज हो गया. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैव मोर मनी देन मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स बिकॉज सेव मोर मनी बिकॉज दे कैन शेयर पेरिफेरल्स, मास स्टोरेज एंड पावर सप्लाईज. क्योंकि अगर आप सपोज करो, अगर आप पांच सिस्टम लगाते हो, हर सिस्टम में एक आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है. कंपैरेटिवली अगर आप एक सिस्टम लगाते हो और उसी के अंदर आप मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा देते हो, ऑब्वियसली द सेकेंड ऑप्शन वुड बी मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि आपके हार्डवेयर के खर्चे तो बचे ना. ठीक है, वायरिंग के खर्चे बचे, आपके हार्डवेयर के खर्चे बचे, मल्टीपल आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचा आपका. इंक्रीज रिलायबिलिटी, फंक्शंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमंग सेवरल प्रोसेसर्स. आपको खुद ही उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस में क्या देना है. ठीक है, देन द फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर विल नॉट होल्ड द सिस्टम, ओनली स्लो इट डाउन. अगर आप उसको, ऑल्दो दे आर टाइटली कपल्ड, बट स्टिल अगर आप उसको मैनेज करके चलते हो ढंग से, तो हो सकता है कि सिंगल पॉइंट फेलियर जो है वो ना रहे. आप अगर एक जगह फेलियर हुआ है तो दूसरी जगह हो सकता है स्लो हो जाए, बट खत्म नहीं होगी वो चीज़. फिर आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, योर फोर्थ वन, यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स विद ओनली स्मॉल टास्क, स्मॉल सेट ऑफ टास्क. इन देयर सिस्टम्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल एंड हैज टू ऑपरेट इन रियल टाइम. काम छोटा है लेकिन फटाफट करके देना है उन्होंने. अ रियल टाइम सिस्टम इज यूज व्हेन रिजिड रिक्वायरमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन अ ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर और द फ्लो ऑफ डाटा. दस इट इज ऑफन यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन. एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपने उसको डाल दिया, ये पूरा अलग से नहीं है, एक एप्लीकेशन का एक हिस्सा है. सम ऑटोमोबाइल इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, होम अप्लाइंस कंट्रोलर्स एंड वेपन सिस्टम्स आर ऑल्सो रियल टाइम सिस्टम्स. मैंने इस चीज़ को जब याद करा था तो मैंने इस उससे करा था कि रियल टाइम सिस्टम्स, होम अप्लाइंसेस, कंट्रोलर्स, जैसे कि अगर
वो है आपका माइक्रोवेव है, तो आपको उसको फटाफट बंद करना है, तो मतलब वो अपने सेकंड्स भी मेंशन कर रहा होता है कि अब मैं एकदम से बंद हो जाऊंगा, तो वो रियल टाइम एकदम से काम कर रहा है, मैंने ऐसे करा था इसको. और रियल टाइम सिस्टम हैज वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रोग्राम्स मस्ट बी डन विद इन द डिफाइंड कॉन्स्ट्रेंट्स और द सिस्टम विल फेल. ऑब्वियसली अगर देखो यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है, अगर आपका माइक्रोवेव आपने बंद नहीं करा या वो बंद नहीं हुआ, फट जाएगा, खराब हो जाएगा. माइक्रो सी ओ एस 2 इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सम मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज आर मल्टीटास्किंग. एक तो वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं रेफर्स टू मल्टीपल टास्क रनिंग सिमल्टेनियसली बाय शेयरिंग द सीपीयू टाइम. मैंने पिछली उसमें हार्डवेयर वाले में भी बताया था कि कंप्यूटर कभी भी एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर टास्क को देख लेता है कि क्या टास्क इस टाइम पे प्रेफरेबली हो रहा है, और वो जो सेकेंड वन वाला होता है द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उसको बैकग्राउंड में ले जाके परफॉर्म करता है. तो हम एक टाइम पे एक ही हो रहा होता है, बट वो स्पीड उसकी इतनी तेज होती है कि वो हमें लगता है दोनों एक साथ हो गया, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सीपीयू का टाइम ही तो शेयर हो रहा है, वो देख ही तो रहा है कि किस तरीके से किसको आगे लेके जाना है किसको पीछे लेके आना है, तो मल्टी टास्किंग वो कर रहा है. रेफर्स टू मल्टीपल टास्क रनिंग सिमल्टेनियसली बाय शेयरिंग द सीपीयू टाइम. Allows computing systems to run two or more task application currently. अच्छा हम लोग जब काम करते हैं तो हम भी तो यही बोलते हैं कभी कभी कि हम लोग मल्टी टास्किंग कर रहे हैं. कैसे करते हैं मल्टी टास्किंग, अगर सपोज कोई किचन में है, किचन में रोटी और सब्जी दोनों साथ में बन रही है तो वो मल्टी टास्किंग हो रही है, बट क्या एक्चुअली में मल्टी टास्किंग हो रही है, हमें लग रहा है मल्टी टास्किंग हो रही है, दोनों अपना अपना काम गैस दोनों अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन खड़ा है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ को देख रहा होता है, वो दोनों हाथों से दोनों चीज़ें नहीं कर रहा होता. At any point in time, the CPU is executing one task only while other task wait for their turn. यही तो हम बात कर रहे हैं कि एक टाइम पे तो एक ही काम हो रहा होता है और दूसरा काम वेट कर रहा होता है अपनी टर्न का. The illusion of parallelism is achieved when the CPU switching of task takes place. मतलब जब वो हमें ऐसा लगता है कि दोनों काम जो है illusion बन जाता है कि दोनों काम एकदम फटाफट साथ साथ ही हो रहे हैं, तो इसलिए उसको मल्टी टास्किंग कहा जाता है. अब मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, लिंक्स मोर देन वन प्रोसेसर, मतलब एक से ज्यादा सीपीयू साथ में चल रहे हैं. इफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर प्रोवाइड्स मोर देन वन प्रोसेसर देन दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग. एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पे आपने मल्टीपल सीपीयू कनेक्ट कर दिए, एक पर्टिकुलर प्रिंटर पे आपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन क्रिएट करके उसी ऑफिस के हजारों सिस्टम, हजार ज्यादा हो जाएंगे, दसों सिस्टम कनेक्ट कर दिए, तो क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसिंग हुई. मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने बहुत फ्रिक्वेंटली सुने हुए थे, इसका में सुने थे, आईटी में सुने थे, हमने अच्छे से सुने हुए थे इनको. मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, सुना वो ये भी हुआ था. इट इज़ एन एग्जीक्यूशन मॉडल दैट अलाउज अ सिंगल प्रोसेस टू हैव मल्टीपल कोड रन करेंटली विद इन द कंटेक्स ऑफ दैट प्रोसेस. मतलब ये कि एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल कोड्स हैं, जैसे कि एक कैलकुलेटर के अंदर मल्टीपल हमारी कमांड्स हैं, प्लस भी है माइनस भी है, और वो सब रन कंकरेंटली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस. अगर मैं वो पर्टिकुलर प्रोसेस रन करती हूँ तो सारी वो साथ में चलती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, अलग अलग नहीं चलती है. ठीक है, रन सेवरल प्रोसेसेस और थ्रेड्स ऑफ अ प्रोग्राम सिमल्टेनियसली. Threads can be imagined as child processes that share the parent process resources but execute independently. Execute तो वो अलग अलग ही हो रहे हैं, बट जो यूज कर रहे हैं आपका जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो आपका पेरेंट प्रोसेस यूज हो रहा है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं. फिर आते हैं हम अपने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका सबसे फेमस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने स्टार्टिंग वहीं से करी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर से. दो सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का आगे देख लिया कि कैसे चलता है. अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हमारे फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब जो आप टास्क दे रहे हो कंप्यूटर को वो उसको मैनेज, मतलब उसके मैनेज क्या होता है. अच्छा अब सपोज करो एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर एक पर्सन है वो गेट पे खड़ा रहता है और अगर कोई पेपर आते हैं तो वो उसको ले लेता है, वो पेपर आते हैं वो सिर्फ लेता है उसको और वो जाके दे देता है. एक कंपनी का एक डाकिया बना हुआ है, इंटरनल डाकिया,
जो क्या करता है, जो बोलता है कि जो भी पेपर्स आए वो उसके पास लेके आ जाए, वो कौन होता है, होता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के पास जाके वो दे देता है वो पेपर्स। वो रिसेप्शनिस्ट देखती है कि ये पेपर जो है वो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, तो वो क्या करती है, वो जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड को जाके वो पेपर दे आती है क्या, या नहीं भी दे, वो क्या करती है, वो जाके दे आती है वो पर्सन, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो उन्होंने असाइन कर रखा होता है। हेड के पास तो नहीं जाती ना सीधा, तो वो उसके पास चली जाती है, उस पर्सन के पास जो असाइंड हो रखा होता है टू रिसीव दैट अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये सारे पेपर्स एक जगह पे चले गए। अब जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन के पास वो पेपर पहुंचा है, ऑल्दो ही इज अ ऑथराइज्ड पर्सन टू रिसीव एवरी पेपर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बट जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उस पेपर का अल्टीमेट ओनर हो जिसके लिए वो पेपर आया हुआ। तो वो जाके अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जिसके लिए भी वो होगा, अगर सेल, अगर सपोज किसी ऐसी चीज़ें जो रिकन्सिलेशन से रिलेटेड है, तो जाके उस पर्सन को दे देगा, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, वो एक अलग मैटर हो गया। तो वो पूरा जो है, अब ये जो सारा टास्क हुआ, वहाँ पे आया फिर यहाँ गया, अब उस हर चीज़ की एक एंट्री हो रही होगी ना, कि जब बाहर गेट पे आया होगा तो वॉचमैन ने एंट्री करी होगी ना कि मेरे पास ये पेपर इस कंपनी से आया और इस पर्सन के लिए आया, और मैंने इस पर्सन को हैंडओवर करा है और इस डेट की इस टाइम पे करा है, और उसके सिग्नेचर भी होंगे। ये क्या है, ये पूरा एक फाइल बनती चली जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा मैनेज कौन कर रहा है? अब ये प्रोसेस भी किसी ने बनाया होगा ना, तो वो जो है वो पूरा हमारा प्रोसेस मैनेजर है। तो इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड कर लेता है कि विच टास्क गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। मतलब स्टार्टिंग में मुझे सबसे पहले प्रोसेसर कहाँ पहुँचाना है, वॉचमैन के पास। नेक्स्ट प्रोसेसर जाएगा रिसेप्शनिस्ट के पास। तो उस तरीके से वो खुद ही क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि कैसे कब जो है प्रोसेसर को कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग ही तो हो रही है, टाइम मैनेजमेंट ही तो हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर। एक तो ट्रैक रखता है कि प्रोसेसर क्या कर रहा है अब, मतलब किसके पास है, और प्लस उसका स्टेटस क्या है। मतलब ये कि वॉचमैन के पास, अब ऐसा तो नहीं है वॉचमैन के पास पेपर आते होंगे और उसी टाइम वो भाग के चला जाता होगा रिसेप्शनिस्ट को देने। उसका भी एक टाइम स्केड्यूल्ड होगा कि सुबह से लेकर शाम तक के जो पेपर्स आएंगे वो 6 बजे आपको देने हैं, या फिर आपके दोपहर तक के पेपर्स आपको इतने बजे देने हैं, और शाम तक के पेपर्स आपको 5 बजे से पहले पहले देने हैं, फिर अगर 5 के बाद कोई पेपर्स आते हैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देने हैं। कोई ना कोई एक टाइम स्केड्यूल्ड होगा। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस बाय सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, साथ साथ करना काम को, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, ठीक है। फिर है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं फाइल मैनेजमेंट से। मेमोरी मैनेजमेंट को याद ऐसे करो कि आपकी याददाश्त में क्या क्या है, आपकी मेमोरी में क्या क्या है। इसका मतलब आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी, आपको इमिडिएटली क्या क्या याद है वो देखना है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज एन हिज ओन एड्रेस। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। इमीडिएटली उसके उसमें है, कंट्रोल में है ये। सो फॉर अ प्रॉब्लम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। अब अगर सपोज मुझे अभी कैलकुलेटर का फंक्शन रन करना है, तो कैलकुलेटर जो है का जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मेमोरी दैट आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, डिसाइडिंग द प्रोसेसेस दैट आर टू बी लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज पर नीड। मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है, एक तो ट्रैक रख रहा है कि कौन की जो हमारी मेमोरी है उसके जो पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ कौन कौन यूज कर रहा है। पहला, उस मेमोरी के पार्ट्स को कहाँ कहाँ कौन कौन यूज कर रहा है। दूसरा, वो डिसाइड करती है कि कौन से प्रोसेस को इस मेमोरी में डालूं,
इसी के लिए आपको ध्यान होगा, अगर आपको याद है तो रैम और रोम का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी उसमें आया था। तो एक सेकेंड, मैं अपने लैपटॉप का चार्जर लगा लेती हूँ। हाँ, तो अब हमारे पास है कि जो रैम और रोम का कॉन्सेप्ट था हम डिस्कस कर रहे थे वो भी इसीलिए आया था, ठीक है। तो मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ, यहाँ पे थे हम, डिसाइड द प्रोसेस दैट आर टू बी लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल। तो होता क्या है कि जो हम अभी पीछे भी पढ़ रहे थे कि सीपीयू जो होता है वो मल्टीटास्किंग करने के लिए क्या करता है, जो इमिडिएटली उसको टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसको परफॉर्म करता है और बाकियों को बैकएंड में चला जाता है। तो जब वापस से वो फ्री हो गया, वो टास्क हो गया, तो अब उसको वापस से फ्रंट एंड में भी तो आएगा। तो यही मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, वो क्या करती है, वो देखती है कि कब कौन सी स्पेस जो है वो अवेलेबल हो गई है और अब उस पर वो काम आके रख दिया जाए। एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज पर नीड, सेम थिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी विच कार्व्स एन एरिया आउट ऑफ हार्ड डिस्क टू सप्लीमेंट द फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रैम, दैट इज इट आर्ग्यूमेंट्स मेमोरी और रैम। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी वर्चुअल मेमोरी बनाने में भी हेल्प कर रहा है। और क्या वर्चुअल मेमोरी क्या है आपकी, ये क्या करती है, आपके हार्ड डिस्क में से एक एरिया को एलोकेट करके रख देती है, पहले से ही साइड करके रख देती है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कि आपको जब इसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी तो आपको उसको यूज कर लेती है, जिससे कि एक तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना वो डाउन नहीं होती है और आपका जो काम होता है वो रुकता नहीं है, आप इमिडिएटली उसको करते रहते हो एंड यू डू नॉट रियलाइज कि मेमोरी जो है उसकी एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है। फिर है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर सपोज मेरे लैपटॉप के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो अल्टीमेटली जो उसके ड्राइवर्स हो गए, जो अगर जैसे प्रिंटर्स हैं तो HP के ड्राइवर्स डाउनलोड करे हुए हैं मैंने, वो सब जो हैं वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सपोर्ट कर रहा है। तो वन ऑफ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द पेक्युलैरिटीज ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम यूजर्स, बिकॉज अगर मेरे सामने ये सब चीज़ें आएंगी कि किस तरीके से हार्डवेयर के साथ कनेक्शन बनाना है तो मैं कैसे करूँगी, जब तक मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हाउ विल आई कनेक्ट माई लैपटॉप टू अ प्रिंटर, वो नहीं हो पाएगा। तो विच इज डन बाई इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इटसेल्फ। The input-output subsystem consists of a memory management component that includes buffering, caching, spooling, a general device called driver interface, drivers for specific hardware devices. तो ये सब आपका input-output devices के parts थे कह सकते हो या फिर components थे। Operating system manages device communication via their respective drivers. ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस। देखो जो बंदा मैनेज कर रहा है उसको ट्रैक पूरा रखना पड़ेगा कि काम कहाँ पे क्या हो रहा है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज IO कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपका जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो आपको आपके सारे जो इनपुट डिवाइसेस भी और आपके आउटपुट डिवाइसेस भी दोनों को मैनेज करके चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं फाइल मैनेजमेंट पे। फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी फाइल्स पड़ी हैं आपको उनके बारे में पता है, ये होता है फाइल मैनेजमेंट। कुछ लोग इसको इस चीज़ से कन्फ्यूज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट से कन्फ्यूज करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। आपकी फाइल के अंदर क्या है वो फाइल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इन टू डायरेक्टरीज फॉर ईजी नेविगेशन एंड यूसेज, आपको जिससे आपको पता चल जाए कि आपका पाथ क्या है तो ईजीली आप उसको कनेक्ट कर पाओ। दीज डायरेक्टरीज मे कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर फाइल मैनेजमेंट, क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस एक्सेट्रा। कलेक्टिव फैसिलिटीज इज ऑल्सो नोन एज फाइल सिस्टम, डिसाइड्स हु गेट द रिसोर्सेज, कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर फाइल है तो उसको कौन कौन यूज करेगा। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज, कि उस पर्टिकुलर सपोज अच्छा फाइल मैनेजमेंट क्या जो वो है, फाइल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर फाइल्स हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन उन सब चीज़ों की
फाइलिंग कहाँ कहाँ है, मतलब उनकी स्टोरेज कहाँ कहाँ है, वो कौन कौन यूज कर सकता है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं उसमें. एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स कौन कर सकता है, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज, ये सब फाइल मैनेजमेंट का पार्ट है. मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, बैकिंग अप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया, बैकअप लेना उसका पार्ट है, बट क्या वो फाइल मैनेजमेंट जो है उसको पता है कि अंदर क्या है, उसको कुछ नहीं पता. फिर है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपने एक्सटर्नल लगाई, या इवन कंप्यूटर के अंदर भी जो आपने हार्ड डिस्क इनबिल्ट भी आ रही है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है. डू नॉट कन्फ्यूज इट कि वो उसका पार्ट नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है जो आपकी हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर, जो एक टीबी की भी होती है बहुत बार. तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब उस स्टोरेज को मैनेज करना कि कब कहाँ कितना, अगर खाली पड़ा है तो यहाँ पे ये यूज़ कर लो. अब वही जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, स्केड्यूलिंग भी इसका पार्ट हो गया. तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन कैसे कैसे करना है, एंड स्केड्यूलिंग. ठीक है, तो ये थे हमारे मैनेजमेंट्स का पार्ट. उसके बाद हम आते हैं नेटवर्किंग पे. वॉट इज नेटवर्किंग? द प्रोसेसर्स इन द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्फिगर्ड इन अ सिस्टम इन अ number of different ways, different protocols are used to communicate between different computers. तो networking वैसे भी हमें पता था, अभी भी फिर से उन्होंने बता दिया networking क्या है. एक bridge है जो क्या कर रहा है, एक configuration है, एक communication network create कर रहा है जो एक दूसरे से आप क्या कर पा रहे हो, एक दूसरे computer से आप क्या कर पा रहे हो, communicate कर पा रहे हो. This is networking. Networking same है जैसे last उसमें थी chapter में. फिर है हमारा protection system. Protection is a mechanism for controlling the access of programs, processes or users to the resources defined by the computer system. मतलब ये हुआ कि जो आपने बता दिया कि अगर आपने एक बार कंप्यूटर को आपने वो दे दी कमांड दे दी कि ये पर्टिकुलर फाइल ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ये पासवर्ड डालने पे एक्सेस होगी, तो वही चीज़ होगी. तो इट वॉट इज इट डूइंग, इट इज कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स processes or users also. This is achieved by means of password and similar other techniques preventing unauthorized access. Passwords तो हमने discuss करा ही, और बाकी हमने techniques एक और क्या discuss करी कि computer को already बता दिया गया कि कौन कौन से users इसको enter कर सकते, इसमें access कर सकते हैं to the programs and data. This mechanisms provide means for specification of controls to be imposed and means for enforcement. Protection mechanism improves reliability by detecting latent errors at the interfaces between computer and subsystems, definitely. और क्या क्या task करता है operating system? It does the control over system performance, बिल्कुल. Job accounting track रखता है पूरा. Error detecting aids, अगर कोई ऐसी errors होते हैं internally तो क्या करता है, error message ला के देता है, हमें pop-up देता है. और कोई डिटेक्टिंग डिबगिंग एरर्स होते हैं वो बताता है. कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर्स एंड अदर बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स, क्योंकि हम तो अल्टीमेटली जो बात करते हैं हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं ना, एज अ एंड यूजर. हमें तो नहीं पता सॉफ्टवेयर से कैसे बात की जाती है, हमें तो एक एप्लीकेशन इंटरफेस ला के दे दिया जाता है जिसपे हम बात करते हैं. तो वो इंटरफेस लाने के पीछे कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है. अगर इस सिस्टम में ये सारे कीज ना होते तो मुझे कैसे पता चलता एज अ एंड यूजर कि कैसे इससे डील करना है, मुझे तो नहीं पता चलता. तो अगला पॉइंट वही आ गया, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और आजकल तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि लिखा हुआ भी नहीं होता, आपको सिंबल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं. तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है यूज करना, जैसे आपके मोबाइल में होता है, आपके थोड़ी होता है आपका लिखा हुआ आता है हर जगह, कि लिखा हुआ भी आता है साथ में, बट सिर्फ लिखा हुआ नहीं आता, मैं ये बोल रही हूँ. ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या हो गया, आपके व्हाट्सएप के लिए एक अलग आइकन है, मैसेजिंग के लिए एक अलग आइकन है, स्नैपचैट के लिए अलग आइकन है, डिफरेंट आपके जो एप्स हैं उसके लिए आपके पास एक अलग आइकन है. तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग्स. तो वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. देन वी हैव द हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. एवरी कंप्यूटर कुड हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ हार्डवेयर. If application developer would have to rewrite code for every configuration, he would be in a big trouble. Fortunately, we have operating system which provides application program interface which can be used by application developers to create application software. So ultimately, हमारे लिए क्या हुआ, एक help हो गई कि जो चीजें बार बार repeat हो रही हैं वो एक ही बार में बन के तैयार हो गई, यही हुआ. तो it is also giving us
हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। अब एक बात आते हैं कर्नेल और शेल की। मुझे ना ये कॉन्सेप्ट ना यहाँ से पढ़ के समझ ही नहीं आया, एक बार पढ़ती हूँ मैं इसको, देखना आपको अगर समझ में आता है तो। ये बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक ग्लू विच होल्ड्स अ कंप्यूटर टुगेदर। ठीक है, इतना तो समझ में आया। इफ वी थिंक ऑफ इट, वन साइड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन। हाँ ठीक है, वी कैन प्राइमरीली डिवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू टू लेयर्स। तो बेसिकली अब ना ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर्स बना दिए इन्होंने। क्या बनाया? एक तो कर्नल लेयर बनाया, एक तो शेल लेयर बनाया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा था। अब बोला कर्नल लेयर क्या करता है, इट कंट्रोल्स एक्सेस टू हार्डवेयर, स्केड्यूल सिस्टम रिसोर्सेज मेमरी सीपीयू, एनफोर्सेस सिक्योरिटी टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, रिस्पॉन्स टू सर्विस कॉल्स, हाउ प्रोग्राम्स एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल एक्सेसिंग हार्ड डिस्क। लेट से दैट अ प्रोग्राम वॉन्ट्स टू एक्सेस हार्ड डिस्क, इट विल कॉल कर्नल of operating system for this of the same and kernel will facilitate it. देखो मुझे तो समझ में आया नहीं इतना ढंग से क्लियरली इसको पढ़ के। हालांकि मैं बोलूँगी इस पूरी बुक में, जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटीरियल है, इस पूरी बुक में बहुत ही रॉ लैंग्वेज लिखी हुई है और बहुत ईजिली समझ में आती है सारी चीज़ें, बट मुझे ये नहीं आया। फिर इसने बोला शेल लेयर क्या होता है, इट सराउंड्स कर्नल, प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन, क्रिएट्स एनवायरमेंट फॉर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन एंड यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आया तो मैंने इसको गूगल करा। जो मैंने इसको गूगल करा तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को क्या दिखा। और वो पढ़ के ना सिर्फ दो लाइंस थी जिनको पढ़ के ना मुझे समझ में आ गया कि कर्नल और शेल क्या होता है। देखो, अ शेल इज एन एनवायरनमेंट और अ स्पेशल यूजर प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। मतलब क्या हो रहा है, अब ये तो हमें बता दिया था इसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो लेयर्स हैं, इतना तो मुझे बुक से समझ में आ गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे दो लेयर्स हैं कर्नल और शेल। तो शेल क्या होता है, शेल एक एनवायरमेंट है और अ स्पेशल यूजर प्रोग्राम है जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। और कर्नल जो है वो हार्ट एंड कोर है ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैनेज कर रहा है ऑपरेशंस को कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंटरफेस वाला पार्ट है जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जो कर्नल है वो एक तरह से कह सकते हो आप जो डेवलपर्स जो है वो उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ो समझ में आएगा। अ शेल इज एन एनवायरमेंट और अ स्पेशल यूजर प्रोग्राम which provide an interface to user to use operating system services. It executes program based on the input provided by the users. Kernel is the heart and core of an operating system that manages operations of computer and hardware. मतलब जो ultimate operations manage कर रहा है वो कौन है, kernel है, और जो बाहर से सब कुछ देख रहा है एक तरह से जो actually में जो shell है वो shell है, उसका नाम ही shell है। तो सही कितना इजीली समझ में आ गया। अभी तो मैंने किसी पर्टिकुलर साइट को ओपन भी नहीं करा, जस्ट द गूगल में जो आया वही पढ़ा और उसको पढ़ के समझ में आ गया। और आप वापस आ जाते हैं उसी शीट पे अपनी। तो ये था हमारा कर्नल एंड शेल। अब मैं इसको पढ़ूंगी ना तो समझ में आएगा। इट कर्नल क्या करता है, कर्नल इज अ हार्ट द कोर, तो कंट्रोल करता है एक्सेस टू हार्डवेयर, स्केड्यूल करता है सिस्टम रिसोर्सेज मेमरी सीपीयू। जब हार्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये काम तो करेगा। एनफोर्स करता है सिक्योरिटी टू सिस्टम रिसोर्सेस, रिस्पॉन्ड टू सर्विस कॉल्स। एंड शेल लेयर क्या करता है, शेल है ही शेल, सराउंड्स कर्नल, प्रोवाइड्स इंटरफेस टू एप्लीकेशन, क्योंकि मैं किसके साथ डील कर रही हूँ, शेल के साथ। और डेवलपर्स जो है वो किसके साथ कर रहे हैं, कर्नल लेयर के साथ। क्रिएट्स एनवायरमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस। अब आते हैं हम अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। What are the other types of system software? We have program development software. इसके अलावा मैंने और भी नोट करा हुआ है, इसको एक बार देख लेती हूँ। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वैसे इसमें भी देख सकते हैं बट ठीक है, अभी हमारा जो निकला हुआ है। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं वो हमारे चार पार्ट्स हैं। पहला है हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जो हम अभी देखेंगे, जिसमें हमारी लैंग्वेजेस हैं पाँच, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक की। उसके बाद हमारा आएगा एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, देन वी विल हैव डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एंड द लास्ट वन वी विल हैव यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इसका मतलब प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल,
डेटा कम्युनिकेशन, जो भी वर्ड्स बोल रही हो ना, एक बार उन वर्ड्स को लिटरल सोच के देखना. मैं तो बाद में अभी बताऊंगी, बट एक बार बोलते टाइम भी ना लिटरल उसको सोच के देखो. प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जो हमारा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जैसे एक बता रही हूँ, जैसे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज हो रहा होगा. फिर है आपका एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, देन वी हैव डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, देन वी हैव यूटिलिटी प्रोग्राम्स. समझ में शायद आया हो शायद ना आया हो, बट देखते हैं अब आएगा. आते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में. मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ना प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है. अब अगर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तभी, जब तक आप कंप्यूटर से बात नहीं करोगे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे. तो कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी. अब कंप्यूटर को तो मेरी भाषा आती नहीं, ना उसको हिंदी आती, ना उसको इंग्लिश आती. तो कंप्यूटर को क्या आता है? तो कंप्यूटर को आता है बाइनरी लैंग्वेज. तो अल्टीमेटली अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मुझे बाइनरी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी कंप्यूटर से. तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं. तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूजुअली प्रोवाइड्स टूल्स टू असिस्ट द प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन अ कन्वीनियंट वे. अब बिकॉज जो हमारा प्रोग्रामर है, वो जो बना रहा है, वो भी अल्टीमेटली इज अ ह्यूमन बींग, उसके लिए भी बिकम्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज. तो क्यों ना एक ट्रांसलेटर बना दिया जाए. स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस भी इतने डिफिकल्ट हो गए जाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उस ह्यूमन बींग को, जो पर्सन जो प्रोग्रामिंग कर रहा था, उसको समझना पड़ता था कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है. तो धीरे धीरे करके हमने डेवलपमेंट करी और हमने उस बाइनरी लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर्स बना दिए, क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि जो चीज़ें रिपीट होती हैं उसके लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल के सॉफ्टवेयर बना देना चाहिए. तो वही काम इन्होंने करा, कुछ सॉफ्टवेयर्स बना दिए, कुछ इंटरप्रेटर्स बना दिए. देखते हैं. तो इट व्हाट डज इट डू प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स, इट प्रोवाइड्स टूल्स टू असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन अ कन्वीनियंट वे. द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन अ कन्वीनियंट वे. सॉफ्टवेयर टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड देन ऑब्वियसली दिस प्रोग्राम रन, प्रोग्राम हैज टू बी रिटन. दिस प्रोग्राम इज रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देयर हैव बीन वेरियस जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. क्या रही हमारी वेरियस जनरेशन? फर्स्ट वन वॉज अ मशीन लैंग्वेज, जिसमें फर्स्ट जनरेशन इज, जिसमें क्या होता था, लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट द प्रोसेसर इज एक्चुअली गिविंग टू वर्क ऑन, विच इज कन्वेंशनल कंप्यूटर्स इज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन. तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज इज प्योर मशीन कोड. उस टाइम पे हम लोग समझते थे, मतलब ह्यूमन बींग्स जो उस टाइम के प्रोग्रामर्स हुआ करते थे, उनको समझना पड़ता था कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, और वो उसी चीज़ को समझ के फिर वो उसको लिखते थे. और इंस्ट्रक्शंस जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस होते थे, और सिर्फ जीरोज एंड वन में होते थे. प्योर मशीन लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट. फिर आया असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में आके थोड़ा सा ईजी कर दिया, और क्या करा, इसको बोला गया सेकेंडरी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, एंड बाई यूजिंग कोड्स रिसेम्बलिंग इंग्लिश प्रोग्रामिंग becomes much easier. तो जो कोड्स थे वो थोड़े बहुत इंग्लिश में आना शुरू हो गए. जीरो एंड वन से हम थोड़े से ऊपर उठ चुके हैं. इसमें न्यूमेरिक कोड्स, न्यूमेरिक कोड्स भी यूज होते थे, सच एज LDA फॉर लोड एंड STA फॉर स्टोर. मीन्स द कोड इज ईजियर टू रीड एंड राइट. मतलब अगर आपको लोड लिखना है तो आपने LDA लिख दिया, तो वो एक तरह से क्या हुआ, न्यूमोनिक आपने यूज करे तो उस, और है अभी भी मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि आपने क्या करें, आप इंग्लिश में तो आए हो बट स्टिल अभी भी मतलब एकदम फ्रीक्वेंट वाला नहीं हुआ, जो अभी आप देखना नेक्स्ट में क्या होता है. फिर आया हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज, और प्योर आपकी ना इंग्लिश जैसी होती है. प्रॉब्लम ओरिएंटेड, द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स वी हैड फॉरट्रान, फॉर बिजनेस प्रॉब्लम्स कोबोल, ये लैंग्वेजेस के वो है. थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ब्रॉट मेनी प्रोग्रामर्स फ्रेंडली फीचर्स. इट हैज टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैन बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या हुए, अभी भी इंग्लिश लाइक है, ईजियर टू यूज हो गए. मेनी प्री प्रोग्राम फंक्शंस ऑलरेडी क्या करा आपने, कुछ फंक्शंस थे आपने प्री प्रोग्रामिंग करके रख दी, आपको फिर से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी. जैसे इसका मतलब क्या हुआ, लूजली कपलिंग शुरू हो गई ना. पहले क्या था, आपके लिए हर प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर सेट था,
बट फिर उसके बाद अब आपका क्या हो रहा है, आपने प्री प्रोग्राम फंक्शन सेट करके रख दिए कि यार ये फंक्शन तो हर प्रोग्राम में चाहिए होता है, मुझे कैलकुलेटर तो मुझे हर प्रोग्राम में डालना पड़ता है तो मैंने पहले ही डाल दिया, डेट एंड टाइम जो है वो मुझे हर प्रोग्राम में डालना होता है तो हमने पहले ही डाल दिया. इट यूजेस डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, दैट इज इट, इट हैज ओनली टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू. आपको बताना नहीं पड़ता, उसके पास है ऑलरेडी सारी चीजें. इंक्लूड्स डेटा मैनेजमेंट फीचर्स. तो आपकी जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी वो आपकी थर्ड जनरेशन से थोड़ी सी और बेटर होगी, क्योंकि आपको अब इसे बताना नहीं पड़ रहा कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा, इसने डाटा मैनेज करना भी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी इसमें कुछ प्री प्रोग्राम्ड फंक्शंस भी हैं. और अगर जब आपको कुछ करना होता है, सपोज आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको आपने उसको बताया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो पीछे से अपने आप खुद लगा पड़ा होगा वो कंप्यूटर को बताने के लिए, यानी कि बाइनरी कन्वर्जन अपने आप चल रहा होगा. हमने क्या करा है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में इंग्लिश में कम्युनिकेट करा है. देन वी हैव द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. दिस इज यूज्ड मेनली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट अ प्रोग्रामर. मतलब ये कि जब हम बेसिकली यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को, तब हम कैसे यूज कर रहे होंगे, क्या हमें कोई प्रोग्रामर चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई गिवन प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको भी यूज कर पाए, सॉल्व कर पाए. प्रोग्रामर ओनली हैज टू बॉदर अबाउट द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व एंड कंडीशन टू बी मेट. इट प्राइमरीली एंडेड एज हाइप ड्यू टू एक्सपेक्टेशन मिसमैच. सब्सिक्वेंटली वेंडर्स ट्राइड टू यूज देम टू सेल देयर पैकेज्ड 4GL प्रोडक्ट्स. Languages like Prolog, LISP, KL1, Mercury, etc. तो ultimately हुआ क्या कि fifth generation language आई तो सही, लेकिन ultimately इनको बंद करने देनी पड़ी. क्यों? क्योंकि जो expectations थी fifth generation language की वो बहुत ज़्यादा थी और उस criteria को वो expectations को वो meet नहीं कर पाई, तो ultimately fourth generation language के साथ उन पैकेज बना के दे ट्राइड, वेंडर्स जो थे दे ट्राइड टू सेल देम ऑफ, बट अल्टीमेटली हमारा जो हाईएस्ट लैंग्वेज रहा, जो बेस लैंग्वेज रहा, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज रहा. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स. जो हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो है, तो हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में टूल्स होते हैं. कौन से टूल्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं. तो द फर्स्ट टूल इज असेंबलर. असेंबलर क्या करता है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, यानी कि जो आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, उसको आपको कन्वर्ट करके देता है बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज में. यही लिखा हुआ है इसमें, कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड एनी प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज अदर देन इट्स ओन मशीन लैंग्वेज. द प्रोग्रामर्स The programs written in other languages must be translated into the machine language. Such translation is performed with the help of a software, और उस software को बोला जाता है assembler. A program which translates an assembly language, यानी कि 2GL to 1GL, is called an assembler. फिर आता है आपका compiler. Compiler क्या होता है? ये high level language program को machine level program में convert करता है. It is a computer program or set of programs that transforms the source code written in a high level language to the machine code. ठीक है. इट इज इन अ कंपाइलर डिबगिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज अ कंपाइलर गोज थ्रू द एंटायर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स. द मशीन कोड्स जनरेटेड बाय कंपाइलर आर सेव्ड परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कंपाइलर है, बेसिकली जो टूल है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपको सारा काम एक ही बार में करके इकट्ठे गलतियां निकाल के दे देता है, तो उसमें जो आपको एरर आइडेंटिफिकेशन होता है या एरर सॉल्विंग होता है, वो थोड़ा सा डिले हो या फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये बोला है इसने. फिर आया आपके पास इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या होता है, वो क्या करता है आपकी जो, जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन, दैट इज परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज करता चला जाएगा, करता चला जाएगा. इट इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम इन टू मशीन कोड. इट रीड्स ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, ट्रांसलेट्स इट, एग्जीक्यूट इट. ऊपर वाला क्या कर रहा था, पूरा पढ़ा एक साथ, ट्रांसलेट करा, डिबग एरर बता दिया. अभी इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक एक लाइन करके कर रहा है और क्या कर रहा है, जो जो गलती आ रही है साथ साथ हमें बता रहा है, तो हमारे लिए इजी हो गया ना. ठीक है, डिबगिंग इजी हो गया और मेमोरी स्पेस भी इसने कम लिया, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन देख रहा है. तो फिर अल्टीमेटली जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का यूसेज हो रहा है वो तो कम ही हो रहा है, कंपैरेटिवली उस वाले में हमारा मेमोरी कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा होता. द मशीन कोड्स
प्रोड्यूस बाय इंटरप्रेटर आर नॉट सेव्ड, और उसमें सेव भी हो जाते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बट इंटरप्रेटर में नहीं होते, कंपाइलर में होते हैं. फिर आता है आपका एसक्यूएल लैंग्वेज. एसक्यूएल लैंग्वेज मतलब आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट को है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. डिबगर मतलब क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कोई भी गलती हुई है तो उसको उस आइडेंटिफाई करने में. वन कैन बाय यूजिंग अ डिबग यूटिलिटी वन कैन पॉइंट आउट व्हेन एंड वेयर अ प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, गलती कहाँ हुई. इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स यूज एंड इन जनरल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन सो दैट द प्रोग्रामर कैन लोकेट बग्स की कहाँ पे गलती है. फिर है आपका लिंकर. लिंकर क्या करता है, लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस पीसेस ऑफ कोड्स एंड डेटा टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल यूनिट दैट कैन बी लोडेड इन मेमरी. द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज जनरली डन ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम. आफ्टर लिंकिंग द लोडिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय यूजिंग लोडर सॉफ्टवेयर. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करा, कोड और डेटा को टुगेदर लिंक कर दिया जिससे कि आपके मेमोरी में जाके वो चीज़ स्पेस सेव हो जाए एंड दैट कैन हेल्प यू इन जनरल प्रोग्राम बनाने के लिए. फिर है आपका लोडर. लोडर इज अ प्रोग्राम विच लोड्स द कोड एंड डेटा ऑफ द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल इन टू द मेन मेमरी, गोज टू द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड देन एग्जीक्यूट द मेमरी ईजी. देन वी हैव द एडिटर. नाम से पता लग रहा है क्या करता होगा, यूजर को अलाउ कर रहा है टू क्रिएट एंड एडिट फाइल्स. ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर एडिट. ऑन अकाउंट ऑफ दिस द एडिटर यूटिलिटी इज यूज टू क्रिएट द सोर्स कोड. अब जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एक और है बीच में, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सेस कंट्रोल, डेटा कम्युनिकेशन और यूटिलिटी. तो नाम से ही जैसे हमें पता चल गया था कि वो प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही हमें नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि एक्सेस कंट्रोल मतलब कि कौन बंदा आके इस चीज को एक्सेस करेगा, उसका कंट्रोल करने वाला है. तो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर इज नाउ जनरली एम्बेडेड एज फंक्शंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डीबीएमएस. कंट्रोल सॉफ्टवेयर इज एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग हु इज एक्सेसिंग एंड यूजिंग डेटा, हु इज कंट्रोलिंग द डेटा, सिक्योर एक्सेस टू डेटा फाइल्स सिस्टम रिसोर्सेस, असाइन ओनरशिप ऑफ ऑल डेटा एंड अकाउंटेबिलिटी, लॉगिंग एक्सेस एक्टिविटी. मतलब ये हुआ कि आपके एक्सेस को कंट्रोल कर लिया इसने, एनालाइज करा कि कौन पर्सन कौन यूजर कौन सा डेटा एक्सेस कर रहा है और कौन सा डेटा यूज कर रहा है, कौन पर्सन डेटा को कंट्रोल कर रहा है. ये भी एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर ने देखा कि किसने जाके इस पर, अब जैसे सपोज अगर 5 यूजर्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी जो है वो तो क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, और ई क्या कर रहा है, ई जो है वो इन चारों लोगों को परमिशन दे रहा है कि कौन पर्सन कौन सी सॉफ्टवेयर कौन पर्सन कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है. तो अगर ई ने जाके कर दिया कि ए जो है वो ये पर्टिकुलर डेटा भी एक्सेस कर सकता है जो उसको अलाउड नहीं था, तो ये सारा ध्यान भी कौन रखेगा, ये सारा ध्यान भी कौन रख रहा है, हमारा एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर रख रहा है. ठीक है, सिक्योर एक्सेस टू डेटा फाइल्स सिस्टम रिसोर्सेस, और क्या कर रहा है, ओनरशिप ऑफ ऑल डेटा फॉर अकाउंटेबिलिटी को वो कर रहा है, असाइन कर रहा है. उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा डेटा का अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो एक्सेस को, और कहीं पे अगर आपकी कोई सिक्योरिटी हैंडल हो रही है तो उस चीज को लॉगिन बना के. फिर है आपका डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज जनरली एम्बेडेड इन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर असिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन मैनेजिंग लोकल एंड रिमोट टर्मिनल एक्सेस टू होस्ट रिसोर्सेज टू मैनेज रिसोर्सेज. एग्जाम्पल टर्मिनल एमुलेटर्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्रामर्स. मतलब क्या हुआ आपका, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपको कम्युनिकेट करने दे रहा है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने दे रहा है लोकल एंड रिमोट टर्मिनल एक्सेस. अगर लोकल एंड रिमोट टर्मिनल एक्सेस साथ में मैनेज हो रहे हैं, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है टू मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क और अ स्मॉल रेंज ऑफ टास्क.
some types of utility softwares are integrated into the major operating systems. Basically, utility मतलब किसी basically utility को क्या बोलेंगे हिंदी में? Utility को बोलेंगे उपयोगिता, मतलब किसी चीज को आपने किस कैसे उसको यूज कर रहे हो आप, है ना? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं. तब उसका फंक्शन क्या है? एक तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को भी मैनेज करेगा, इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी को, अंडरस्टैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम टू फैसिलिटेट एक्सेसिंग और टेस्टिंग डेटा क्वालिटी, टू टेस्ट अ प्रोग्राम्स एबिलिटी. To function correctly and maintain data integrity भी maintain करेगा, to assist in fast program development. और कुछ utility programs कौन से हैं, कुछ utility softwares कौन से हैं जो आपके almost जो है आपके बहुत frequently use भी होते हैं? They all are disk storage utilities जो आपको disk store करने में help करती है, जैसे कि disk defragmenters, disk checkers, disk cleaners, disk partitioners, backup, decompression, file managers and archive. बहुत आप यूज भी करते हैं. data compression, cryptographic utilities. cryptographic एक chapter है आपका जो आप last में भी cover करेंगे एक बार इसी e-learning में. फिर आपका network managers, then we have registry cleaners. अब आते हैं security and controls in operating system. operating system should be robust, reliable and free of integrity flaws. Operating systems, processes and kernel do the designated task as instructed. अब हमें याद है कि kernel क्या होता है, the heart of operating system. A malicious program could make these processes do malicious task. Operating system can be secured through proper user access and it has to be protected through antivirus, firewalls, anti-spyware and patch management. तो ultimately मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका operating system जो है वो मैलिशियस हो गया, अगर आपका कोई प्रोग्राम मैलिशियस है तो वो मैलिशियस टास्क भी तो परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसे थोड़ी कोई अकल है. वो तो क्या कर रहा है, आपने उसको जो अकल भर दी, जो आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वो उसी को परफॉर्म करेगा. अगर उसको एक पर्टिकुलर इनपुट मिल गया तो वो वही आउटपुट ला के देगा जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया है. अगर आपने उसको लिख दिया कि 1+2 3 नहीं होता, 5 होता है, तो वो 5 ही दे देगा ना. तो अगर एक मैलिशियस प्रोग्राम रन हो गया तो फिर एरर हो जाएगा बहुत, और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा एरर होगा, एरर तो बहुत बड़ा भी हो सकता है. तो इसके लिए बोला गया कि सिक्योरिटी और कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बहुत ज्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो कंट्रोल्स जो लगाए गए ना, वो दो तरीके के कंट्रोल्स लगाए गए. पहला कंट्रोल आपका लगाया गया एक्सेस कंट्रोल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा लगाया गया एक्सेस कंट्रोल इन विंडोज. ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लगाया गया कि आपने क्या करा, आपने किसी एक पर्टिकुलर, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अब वो लग रहा है, दोनों चीजें अलग अलग समझेंगे. पहले लग रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल लग रहा है. कैसे लगाओगे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल लगाएंगे कि जो चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था उस पर कंट्रोल लगा दो. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था? अच्छा, एक्सेस कंट्रोल क्या है पहले तो ये देख लेते हैं. एक्सेस कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजिंग यूजर्स, ग्रुप्स and computers to access objects which could be files, directories, etc. on the computer. So operating system access control kya hai? It is the first layer of access controls which mainly rely on hardware features of processors which control which memory addresses a processor can access. Padho isko fir se. Matlab ye ki ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस कंट्रोल जो है वो पहला एक्सेस कंट्रोल है, पहला लेयर है, मतलब पहली सुरक्षा कवच है. जो क्या बोल रहा है, रिलाई ऑन हार्डवेयर फीचर्स ऑफ प्रोसेसर, जो क्या कंट्रोल करता है कि कौन सा मेमोरी कौन से प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है, विच मेमोरी एड्रेसेस अ प्रोसेस कैन एक्सेस. The access controls provides with an operating system typically authenticate users using some mechanism such as passwords etc. Then mediate their access to files, communication ports and other system resources. Access control in most of operating systems is operated through access control list. आपने अपने operating system के ऊपर ही control लगा दिया. It is a list of who has what access to an object.
उनको ये नहीं पता कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि हु हैज व्हाट एक्सेस, मतलब कि हु मतलब यूजर, विच यूजर हैज व्हाट मतलब कैसा एक्सेस, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डेट ऑडिटर है, ओनर है, जैसे आप टैली में भी करते हो, तो वो क्या है, वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है. An access control list is a table that tells computer operating system which access rights each user had to a particular subsystem object, such as a file directory or an individual file. As the operating system works with files, this will usually be the smallest object with which its access control mechanism can deal. These are widely used in environments where users manage their own file securities. It is a matrix of access permissions with columns for files, objects and rows for users and related capabilities. मतलब ये हुआ कि उसने बता दिया कि एक तो files के नाम दे दिए, users के नाम दे दिए, और फिर उनके पास उनकी capabilities, मतलब वो सिर्फ read कर सकते हैं, read and write कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, delete कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारे जो आपके software के अंदर कंट्रोल लगाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगला कंट्रोल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो लगाया गया, वो लगाया गया एक्सेस कंट्रोल इन विंडोज. अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे भी हमारा एग्जांपल आ गया कि ये दो हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है, इन दोनों फाइल्स को रोल ए रोल बी रोल सी, ए पर्सन का रोल क्या है, बी पर्सन का रोल क्या है, सी पर्सन का रोल क्या है. तो फाइल ए को, जो ए है वो क्या कर सकता है, फाइल ए को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है. बी क्या कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता. बी इसमें राइट कर सकता है और रोल ए और इसमें क्या कर सकता है, रीड कर. तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस कंट्रोल्स डिफाइंड हो गए, और ये जो था हमारा कौन है, प्रोग्रामर एग्जीक्यूट करेगा ये. फिर हमारा एक्सेस कंट्रोल इन विंडोज. विंडोज में एक्सेस कंट्रोल्स कैसे लगाए जाते हैं, कि मेरे जो सिस्टम है ना उसमें कोई एंटर ना करे. तो इम्प्लीमेंटेड राइट लेवल ऑफ एक्सेस इज मोस्ट क्रिटिकल टू एंश्योर दैट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एंड अदर यूजर्स एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड थ्रू एक्सेस कंट्रोल्स. As operating system software is the first entry point for the user, the key functions for OS relating to user management has to be properly implemented as per security policy of the organization. Auditors have to review whether these are as per policy outlined by the senior management. It is highly advisable ki jo auditors hain, they become familiar with the whole process of user management, right from the user creation to the user deletion. How to create user, how to define specific role, grant access to specific modules and functions, how to grant permissions and how to review and enable security auditing are covered here for Windows operating system. नीचे दे रखा है उन्होंने. Similar functions would be available for other operating system also, but the way functionality works would vary from one operating system to another. तो हमारा ultimately वो ये बोलना चाहते हैं कि आप जो DISA कर रहे हो as an auditor, आपको पता होना चाहिए कि सारा प्रोसेस जो है वो कैसे रहता है, फ्रॉम क्रिएशन टू डिलीशन ऑल द प्रोसेस. तो आपके जो एक्सेस कंट्रोल आपका लगता है विंडोज में, उसके लिए सबसे पहले आप यूजर को क्रिएट करते हो, क्योंकि ना अगर जो आपका एक्सेस कंट्रोल लगता है विंडोज में वो इसी तरीके से लगता है. जब आप एंटर करते हो कोई एक पर्टिकुलर सिक्योर्ड विंडोज अगर आप खोलते हो, तो वो आपको एंटर ही नहीं करने देता. आपको क्या बोलते हैं, पहले ही आपको बोलता है कि आप अपना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड आप अपना डालिए. तो वही विंडोज पे आपका मतलब एंट्री में ही आपने क्या लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया, ठीक है. तो यूजर क्रिएट करा आपने, उसके बाद उसके रोल्स असाइन कर दिए, देन यू हैव यूजर्स राइट एंड प्रिविलेज परमिशंस एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग. इसको फर्दर डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे, जो कि हमके डीसा का पार्ट है शायद, ठीक है. फिर उसके अब ये उसी चीज को मेंशन करा हुआ है. देखो जैसे यूजर क्रिएट करते हैं, फिर असाइन करते हैं रोल्स को कि वो क्या है क्या नहीं है, देन व्हाट यू डू, असाइन पासवर्ड, यूजर राइट्स एंड परमिशंस, ठीक है ये छोड़ दो इसको. देन वी हैव सॉफ्टवेयर एक्विजिशन. अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में हार्डवेयर एक्विजिशन एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट पढ़ा था,
ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. हालांकि आपको बहुत सॉफ्टवेयर एक्विजिशन बहुत शॉर्ट में ही पढ़ाया गया है इसमें, बहुत शॉर्ट में ही है. तो सॉफ्टवेयर एक्विजिशन क्या है, जैसे आपने हार्डवेयर एक्विजिशन में पढ़ा था कि आपको पहले पूरा देखना पड़ेगा कि आपको जो हार्डवेयर चाहिए वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा. फिर आप देखोगे आपको कहाँ से मिल रहा है, आप अपना पूरा RFP मंगवाओगे. वो सब चीज़ें थी कि अगर कोई कोटेशन है तो कोटेशन, टेंडर है तो टेंडर, गवर्नमेंट है अगर आप, तो उस तरीके से था. सॉफ्टवेयर एक्विजिशन से में क्या आया कि जब आप सॉफ्टवेयर एक्वायर करने जा रहे होंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर एक्वायरिंग मैंने भी ना दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपने एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर जाके परचेज कर लिया, एक होता है आपने इनबिल्ट अपना सॉफ्टवेयर बनवाया. सॉफ्टवेयर परचेज करते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपके डेटा को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. तो जो आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे उससे आपकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, डाटा मैनेजमेंट सब चीज़ें अफेक्ट होंगी. तो इसलिए सॉफ्टवेयर एक्विजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत तरीके से उसको चेक करना पड़ता है. तो आप क्या करोगे जब आपको सॉफ्टवेयर लेना होगा जाके, तो आप सबसे पहले देखोगे कि आपको चाहिए क्या, आपका पर्पस क्या है. क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन. तो हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिससे कि आप अपनी जो अपने जो टास्क हैं, जो फाइनल आपके गोल्स हैं, उसको अकम्प्लिश कर पाए. तो आप अगर कोई सॉफ्टवेयर लेने चाह रहे हैं तो आपको पहले यही तो सोचना पड़ेगा कि आपके फाइनल गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं. फिर आप क्या करोगे, आपके जो गोल्स हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको सिंक्रनाइज करेंगे. देन वी विल डेवलप अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द बेस कंप्यूटर एनवायरनमेंट दैट विल सपोर्ट द एफिशिएंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड टू मीट द बिजनेस नीड्स एंड स्ट्रक्चर. मतलब ये कि हम क्या करेंगे, हम तैयार करेंगे कि अभी हम देखो रिक्वायरमेंट्स का ही समझ रहे हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स अपनी एनालाइज करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे. अभी हम लेने भी नहीं गए हैं, ठीक है. तो हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपना स्कोप, ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड कि हमारा फाइनल हमें चाहिए क्या, हमने हमारा मोटिव क्या है, हमारे दिमाग में क्यों आया कि हमें जाना है सॉफ्टवेयर लेना है कोई. तो इसका मतलब ज़रूर हमने कोई ना कोई चीज़ ऐसी सोची है जो हमने सोचा है कि सॉफ्टवेयर से हो जाए. क्यों, क्योंकि होम अगर हम हैंडमेड करते हैं तो मैनुअली करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है. तो हमने अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स देखी, पहले हमने ये देखा कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, फिर हमने देखा कि यार बिजनेस में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो इसको और थोड़ा सा बेटर बना सकती है. देन वी डेवलप द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द बेस कंप्यूटर एनवायरमेंट दैट विल सपोर्ट द एफिशिएंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू मीट द बिजनेस नीड्स एंड स्ट्रक्चर. मतलब ये कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास, अगर हम सपोज इनबिल्ट करवाते हैं, यहाँ बुला के एक पर्सन हायर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं, तो क्या हमारे पास वो हार्डवेयर है जो उसको डेवलप कर सके. और प्लस अगर नहीं भी है, अगर हम ऐसा नहीं भी करते, सपोज मार्केट से भी खरीदते हैं, तो भी क्या हमारे पास वो हार्डवेयर है जिसपे हम वो सॉफ्टवेयर रन कर सके. तो अल्टीमेटली हमें सॉफ्टवेयर रन करने के लिए कंपैटिबल हार्डवेयर भी चाहिए. फिर हमारे पास डेवलप सिक्योरिटी कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसोलिडेट द डेफिनेशन ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स. अब आपने क्या करा, सारी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको आपने वन गो पे आके सोचा, एनालाइज करा, और जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थे उनको एनालाइज करा. आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, आपके पास ऑप्शन थे कि आपके पास क्या था, आपके पास, अब वो बोल रहा है कि द की टास्क दैट शुड बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव्स आर. मतलब ये कि जब आपके पास सॉफ्टवेयर के ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही आए हों आपके पास कि आपने डेवलप करवाया या रेडीमेड लिया है, बट आपके पास वो भी आ सकते हैं कि आप जो रेडीमेड लिए हैं वो भी आपके पास मल्टीपल अवेलेबल हैं. तो ऐसा नहीं आपके पास दो ही ऑल्टरनेटिव है, यू कुड हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स इन टुडेज मार्केट. तो जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं आप उसको कैसे, क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका उसको टेक करने का या आपको रिजेक्ट करने का या अप्रूव करने का. तो क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग और रिजेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास, कॉस्ट फैक्टर्स एंड डेवलपमेंट वर्सेस परचेज डिसीजन. आप देखोगे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, डेवलपमेंट कराते हो तो कितनी आती है, परचेज कराते हो तो कितनी आती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी है, उसकी मेंटेनेंस कितनी जाएगी आपकी, इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग सपोर्ट अवेलेबिलिटी. मतलब ये कि अगर आप सपोज मार्केट से लेते हो
तो आपको सपोर्ट अवेलेबिलिटी कितना मिल रहा है, और अगर आप नया अपना खुद का बिल्ड करवाते हो तो सपोर्ट अवेलेबिलिटी कितना है। फिर आपका आता है डिलीवरी शेड्यूल इंक्लूडिंग लीड टाइम रिक्वायरमेंट्स। हो सकता है एक पर्सन है वो आपको बोल रहा है कि मैं रेडीमेड दे दूंगा आपको, बट आई विल टेक टाइम, मेरे पास अभी नहीं है, वो आएगा, ऑर्डर दिया हुआ है मैंने भी आगे से, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स इन ऑर्डर टू यूज द सॉफ्टवेयर, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द यूजर्स ऑल्सो ना। आप व्हाई आर यू सेइंग ओनली सॉफ्टवेयर, आप बोलो यूजर्स का भी तो हो सकता है कि आप, हो सकता है आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ले सकते हो, लेकिन तब क्या अगर आपके जो यूजर्स हैं द वन हु आर गोइंग टू यूज योर एम्प्लॉयज, वो उनको यूज ही ना करना चाहते हो, द एंड यूजर उसको यूज ही नहीं कर पाए, उसके लिए उसको एक अलग ही चीज समझनी पड़े, तो क्या आप वो पूरी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाएंगे? तो वो सब चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी। पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग अ पैकेज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कॉस्ट एंड वेंडर एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्शन एडवाइस फ्रॉम वेंडर्स, कंपेरेबल इंस्टॉलेशंस एंड कंसल्टेशंस, कंपैटिबिलिटी विद एक्सिस्टिंग इन हाउस सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके जो ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है ऑलरेडी इन हाउस, तो उसके साथ कैसी कंपैटिबिलिटी रहती है। हो सकता है कि आप जो नया सिस्टम सॉफ्टवेयर लेके आए, हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके पुराने वाले सॉफ्टवेयर में जो डेटा था उसको माइग्रेट ही ना कर पाए, देन इन दैट केस व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग टू अ हायर वर्जन, जब आपको पूरा का पूरा डेटा फिर से उसको रीराइट करना पड़ेगा इन द न्यू सॉफ्टवेयर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सप्लायर्स, जैसे हार्डवेयर सप्लायर्स में थी, इसमें तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, हार्डवेयर से भी ज्यादा, बिकॉज सॉफ्टवेयर में आपका सारा डेटा सेव है। अब जब आपका डेटा सेव है और अगर सपोज जो आपने डेटा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी से बनवा लिया, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया, डेवलप हो गया, एंड लेटर ऑन यू केम टू नो कि वो जो आपका डेवलपर था वो तो ही गॉट इंसॉल्वेंट एंड ही इज नो मोर इन द मार्केट, देन इन दैट केस हाउ विल यू कॉन्टिन्यू योर सॉफ्टवेयर? आपको तो रेगुलर उसमें अपडेशन चाहिए ही रहेंगे, सॉफ्टवेयर इज वन थिंग जिसमें आपको रेगुलर अपडेशन चाहिए टू बी इन द मार्केट। टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सॉफ्टवेयर सप्लायर्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आप देख लो कि वो लोग टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही है। देन वी हैव द सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, अब आपने ऑल्टरनेटिव्स को एक्सरसाइज कर लिया, अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हो या फिर आप डेवलप करने जा रहे हो, वट एवर मे बी, जो भी आपने सेलेक्ट करा, आप सॉफ्टवेयर एक्वायर करने जा रहे हो। व्हेन एक्वायरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट बिजनेस फंक्शनल एंड टेक्निकल नीड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हमने पढ़ा था आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट, आपकी लागत कितनी लग रही है और आपको अल्टीमेटली बचेगा कितना, ऑब्सोलेसेंस, कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हम ऊपर भी पढ़ चुके, सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड्स ऑन एग्जिस्टिंग स्टाफ, ट्रेनिंग एंड हायरिंग रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर ग्रोथ नीड्स, इम्पैक्ट ऑन सिस्टम एंड द नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर क्लियर करे हैं, तो हमें यही सारी चीजें सिस्टम एक्वायर करते टाइम पे देखनी पड़ेगी। देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे, इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट ऑल अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, एनी पैचेस और सर्विस पैक्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड एनी प्रीडिसेसर अपडेट्स हैव बीन टेकन, तो आपको सारी चीजें जो है साथ में देख के चलनी है। देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब ये कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चेंज हो रहे होते हैं, तो यू मस्ट फॉलो अ फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस। ऐसा बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो चेंज कर दिया बट पुराना डेटा आपका रह गया या इम्प्रॉपर हुआ, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू चेंज फ्रॉम वन थिंग वन सिस्टम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर, आपको अपना पूरा डेटा साथ में लेके चलना है। अ सॉफ्टवेयर मस्ट फॉलो अ फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस, चेंजेस आर स्केड्यूल्ड व्हेन द लीस्ट इंपैक्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आप हो बैंक और आप बैंक और आपने सोच लिया कि चलो जी फिनाकल तो बहुत ही मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है और हम जो अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है, तो हम ना फिनाकल पे शिफ्ट हो जाते हैं, सोच लिया तो अब, और ना हम जो बैंक है हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, और वो जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनकी मैक्सिमम सैलरी अकाउंट्स जो है वो हमारे पास है, ठीक है, पूरा लिंक कर रहे हैं, तो जो उनके सैलरी अकाउंट्स है वो हमारे बैंक में है, हम बैंक हैं,
तो उनकी जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में ना बहुत ह्यूज रहती है, ठीक है। और हमारे मेन जो हमारी क्लाइंटेज है बैंक की, वो भी वही क्लाइंट्स है। तो विल दैट बी ओके टू शिफ्ट टू फिनाकल ऑन दैट पर्टिकुलर 7 डेज, दे विल बी इम्पैक्टिंग आर ट्रांजेक्शंस? तो नहीं, इट विल नॉट बी एडवाइजेबल। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें इस टाइम जो स्केड्यूलिंग करनी है, जो चेंजेस करने हैं हमें, वो उस टाइम पे स्केड्यूल करें जो हमें लीस्ट ट्रांजेक्शन, लीस्ट इम्पैक्ट है हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को। अ रिटन प्लान इज इन प्लेस फॉर टेस्टिंग चेंजेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पहले से ये सब चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी। टेस्ट आर कंप्लीटेड एज प्लान, अगर आपके जो टेस्ट हैं वो एज पर प्लानिंग आपके हो गए हैं। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर ड्यूरिंग टेस्टिंग, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आई है आपने रिजॉल्व करने के बाद फिर से टेस्ट भी कर ली है। टेस्ट प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट चेंजेस अप्लाइड टू द सिस्टम करेक्ट नोन प्रॉब्लम्स एंड डू नॉट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर्स विल बी आइडेंटिफाइड बिफोर इट इज प्लेस इन टू प्रोडक्शन एनवायरमेंट। जाने से पहले आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड फॉल बैक और रिस्टोरेशन प्रोसीजर्स अगर कोई होते हैं, तो मतलब आपने पहले से पूरा सारा करके देख लिया कि चेकिंग हो गई, रीटेस्ट हो गए, सारा अप्रूव हो गया, बट वहाँ जाने के बाद अगर कोई प्रोडक्शन फेलियर होता है तो आपको उसके प्रोसीजर्स भी बना के अगर आप रख सकते हो तो बेटर, आप उसकी प्रोसेसिंग पूरी करके रखो। देन वी हैव सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इशू। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर दैट ऑल सॉफ्टवेयर यूज आर लाइसेंस्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कंप्लाइंसेस। प्रूफ ऑफ ओनरशिप शुड बी सप्लीमेंटेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, ओरिजिनल मीडिया एंड मैनुअल्स होने चाहिए, परचेज इनवॉइस या फिर रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक। तो आप शुरू करते हैं आगे, आगे शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन से। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कुड बी ऑफ द शेल्फ परचेज और कुड बी इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम ऑफ द शेल्फ परचेज कर रहे हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग ऑफ द शेल्फ परचेज आर, मतलब अगर आप डेवलप नहीं करा रहे हो, डायरेक्ट रेडीमेड सॉफ्टवेयर जाके परचेज कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप क्या देखोगे? कंपैटिबिलिटी किसके साथ? अपने हार्डवेयर के साथ। रिलायबिलिटी, पहले अगर यूज कर रहे हैं लोग उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी भी देखोगे प्लस उस वेंडर की रिलायबिलिटी भी देखोगे। बेंचमार्क्स कि पहले कितने मतलब उसके वो रहे हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट कितने लेवल तक कर पाता है। कॉस्ट बिल्कुल, फंक्शनैलिटी, वेंडर सपोर्ट कैसा मिलता है, वायबिलिटी ऑफ द वेंडर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्पॉन्स टाइम, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे इन द केस ऑफ ऑफ द शेल्फ परचेज। ऑफ द शेल्फ परचेज मीन्स अ परचेज विच इज बींग डन टू बाय अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में हम क्या करेंगे? अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें समझाना पड़ेगा। एंड यू नो दिस प्रोसेस टेक्स आवर्स, डेज एंड मंथ्स, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड इन दिस फेज। क्वेश्चंस आंसर्ड आर हु इज गोइंग टू यूज दिस सिस्टम। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सिस्टम यूज कौन करने वाला है। अगर तो ये सिस्टम यूज करने वाले हैं नॉर्मल पीपल, तो हम थोड़ा सा ग्राफिक यूजर इंटरफेस रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स आ चुके हैं हमारे, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर जो हमारे आ रहे हैं ये यूज कौन करने वाला है, हमें सबसे पहले ये देखना है। हु हाउ विल द यूज द सिस्टम, कैसे यूज करेंगे, क्या डेटा प्रोवाइड करेंगे उसमें, व्हाट डेटा शुड बी इनपुट टू द सिस्टम, व्हाट डेटा शुड बी आउटपुट टू द सिस्टम, मतलब आप क्या चाहते हो, क्या दोगे और कौन यूज करेगा इस सिस्टम को, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दीज रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज्ड फॉर देयर वैलिडिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायरमेंट्स इन द एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड। देन वी हैव डिजाइन, मतलब हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर दी कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। देन वॉट डू यू डू, कोडिंग करते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग पहले हो जाती है, कोडिंग बाद में होती है। डिजाइनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, और फिर बिकॉज जो कोडर होते हैं वो अलग होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट शीट को पढ़ के और पर्सन से, एंड यूजर से कॉन्टैक्ट करके
जो है वो एंड यूजर या फिर जो आपका जो पर्सन बाय कर रहा है अल्टीमेटली जो एंड यूजर के लिए खरीद रहा है द ओनर ऑफ द कंपनी या फिर द आईटी पर्सन जो उसमें जो बनवा रहे हैं चीजों को जिनको चाहिए चीजें तो वो उनसे बात करके किससे बात कर रहा है उसने डिजाइनर ने क्या करा एक डिजाइन मतलब बना के दे दिया कोडर को कोडर ने क्या करा उस एक कोडर इज बेसिकली द पर्सन जो बैकएंड पे सारी कोडिंग करता है और जो मेन काम करता है क्या करता है वो एक कोड डेवलप करता है जो क्या करता है और सबसे ज्यादा टाइम भी इसी में लगता है कोड डेवलप कर लेता है फिर उस कोड की टेस्टिंग होती है फिर अगर उसमें कोई गलतियां होती है उसकी करेक्शन होती है फिर उसके बाद जब एक बार सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई तो फिर उसको लाइव एनवायरनमेंट में ला दिया जाता है एंड देन फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी अगर कोई चीज़ें आती है तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह चलती है ये सब यही है सबसे पहले आपने क्या करा आपने रिक्वायरमेंट अपनी डिफाइन करी उसकी एक लिस्ट बनाई फिर डिजाइनर ने उस लिस्ट को एक मतलब जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टाइप्स थी उसमें कन्वर्ट कर दिया देन कोडर ने उसकी कोडिंग करी फिर टेस्टिंग हुई आपकी और अगर कोई गलतियां वगैरह हैं उसको फिर से आपने ठीक करा तो ये सारा टेस्टिंग का पार्ट रहा देन वी हैव चेंज ओवर एंड इम्प्लीमेंटेशन आपने रियल एनवायरनमेंट में आपने उसको क्या करा लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया देन वी हैव पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड द मेंटेनेंस राइट तो हाउ इज द मेंटेन मैनेजमेंट डन तो सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ITIL, that is Information Technology Infrastructure Library, defines software asset management as the entire infrastructure or processes necessary for the effective management, control, and protection of the software assets within an organization throughout all stages of their life cycles. मतलब software asset management की जितने भी हमारी stages हैं, उन सारी stages में कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर एसेट इज इम्पॉर्टेंट है ना तो अब उसके बाद हमारा आता है इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स परचेजिंग द सॉफ्टवेयर डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर इन द रियल एनवायरमेंट मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम परचेज टू रिटायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मतलब ये आपने खरीदा आपने अपने रियल टाइम एनवायरमेंट में लगा लिया और फिर उसके बाद अपने खरीदने से लेकर डिस्कार्ड करने तक उसको पूरा मैनेज करा पूरा ट्रैक रखा रिकॉर्ड रखा ठीक है नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट इज अ बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग पीपल प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी टू सिस्टमैटिकली ट्रैक इवैल्यूएट एंड मैनेज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड सॉफ्टवेयर यूसेज इट इज अ प्रोसेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स लीगल फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या करता है ये What is installed in the environment? What is supposed to be used in the environment? Who is using the software? How much are they using it? How much are they supposed to use it? Are they even supposed to use it? How are they using it? Can they prove they are allowed to use it? ये सब क्या है? आपके system asset management का part है. इसका benefit क्या है? It has a cost benefit analysis. देखो क्या होता है. It is a critical and valuable asset and needs effective management. Key benefits of implementing SAMR. एक तो ये करता है आपकी cost save कैसे करता है कि अगर आपने SAM management नहीं करा जब आपने SAM management नहीं करा तो क्या होगा आप एक ही बार में जाके आपको पता चलेगा कि भैया जी यहाँ पे तो इस software के वजह से इतना नुकसान हो गया लेकिन अगर आप एक regular analysis करते रहेंगे तो क्या होगा आप उसको टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको बोल इसलिए इससे क्या होता है सॉफ्ट कॉस्ट सेविंग होती है तो विद एसएएम वी कैन कंट्रोल कॉस्ट थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन गेट वॉल्यूम डिस्काउंट्स बाय डूइंग गोइंग इन अ वॉल्यूम लाइसेंसिंग वी माइट बी हैविंग रिडंडेंट प्रोग्राम्स बट वंस वी एनालाइज आवर प्रोग्राम्स वी माइट रिड्यूस रिडंडेंसी विद अवेयरनेस वी हैव मोर स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस तो मतलब क्या हुआ हमने एक रेगुलर चेक करते रहे तो एक तो हमें पता रहा कि कॉस्ट ऑल्दो इसमें कॉस्ट सेविंग्स भी होती हैं बट कॉस्ट एक आपकी फिक्स भी लगती है बट डेफिनेटली अगर आप उस प्रोसेस को उस जो आपका एक बड़ा लॉस होता है उससे कंपेयर करेंगे तो इट हैज़ योर कॉस्ट सेविंग्स क्योंकि ये क्या करता है आपको बड़े लॉस से बचा लेता है तो आप वॉल्यूम लाइसेंसिंग कर सकते हैं तो उस पर आपको वॉल्यूम डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और आपको पता चल रहा है अगर कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं कुछ आपके यूज़ नहीं हो रहे हैं
तो अगर आपके कुछ प्रोग्राम्स यूज नहीं हो रहे तो बेटर टू गेट इट ऑफ, रिडंडेंट हो चुके हैं तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आपके अनएफिशिएंट जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर उसमें सिस्टम में पड़े हुए हैं, तो एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि आपके वो सॉफ्टवेयर की भी तो एक कॉस्ट जा रही होगी ना, आपने उसको अगर लाइसेंस लिया हुआ है तो वो चीज़ भी जा रही होगी। देन आपका रिस्क मैनेज होता ही है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को चेक नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप एक रिस्क ही तो लेके चल रहे हैं अपने डेटा के ऊपर, एक बिग क्वेश्चन मार्क, तो और अपडेटेड अगर आप वो लेके चल रहे हैं तो आपके पास मार्केट में रुकने का भी एक हायर लेवल ऑफ टास्क रह जाता है। देन वी हैव स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशंस बिल्कुल स्मूथली चलते हैं। देन वी हैव गुड गवर्नेंस विद बेटर कंप्लायंसेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेशंस विद विल लीड टू बेटर गवर्नेंस। देन वी हैव डिजास्टर प्रिवेंशन, क्योंकि डिजास्टर प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या हुआ, आपने ऑलरेडी सारा मेंटेन करके रखा हुआ है तो आपको पहले से ही सारी अलर्ट्स हो जाते हैं, जैसे लो बैलेंस अलर्ट है आपके पास पहले ही आ गया, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्टेप्स टू सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट, आपको करना क्या होता है तो ये बताते हैं, आपको सबसे पहले इन्वेंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने इन्वेंट्री लेने के लिए आपने क्या करा, आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी थी उसको एक जगह आपने रिकॉर्ड कर लिया कि आपके पास क्या क्या पड़ा है, ठीक है। फिर उसको क्या करा, आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब कि आपने उसको सपोज हार्डवेयर्स को अलग बाइफर्केट कर दिया, सॉफ्टवेयर्स को अलग बाइफर्केट कर दिया, और सॉफ्टवेयर्स में भी आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, जैसे हमने पढ़े थे एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर्स मीडिया वाले, तो हमने उन सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया कि कौन से कहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, कम्युनिकेशंस वगैरह। फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज करा, देन वी क्रिएटेड पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ साइकिल के लिए हमने क्या करा, पॉलिसी, मतलब पूरा एक तरह से मैनेजमेंट डिस्कस करा कि कैसे हमें उसकी पूरी लाइफ साइकिल में कैसे स्मूथली रन करना है। लाइफ साइकिल क्या है उनकी, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, सॉफ्टवेयर स्टोरेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिटायरमेंट, और उस प्लान को आपने मेंटेन करना है। तो ये आपने पूरा प्लान बनाया एंड देन यू मेंटेन्ड इट। देन वी हैव एंड पॉइंट मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज एन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट डिवाइस इज एन इंटरनेट कैपेबल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस ऑन अ TCP/IP नेटवर्क वेयर एन इंफॉर्मेशन स्ट्रीम इज जनरेटेड और एंड्स। मतलब या तो आपका बिल्कुल इनपुट वाला डिवाइस जहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, या फिर आपका बिल्कुल आउटपुट वाला डिवाइस। इनपुट वाला डिवाइस मतलब आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, थिन क्लाइंट, POS टर्मिनल्स। इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट एंड पॉइंट नीड्स टू बी डिप्लॉयड, कॉन्फिगर्ड, पैच्ड, सिक्योर्ड एंड सपोर्टेड। एंड पॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एनकंपास पैच डिलीवरी का मतलब होता है कि आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है ना उसको मल्टीपल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया एंड देन यू आर मेकिंग इट डिलीवर। इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, OS डिप्लॉयमेंट, रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटीज, नियर रियल टाइम विजिबिलिटी इन टू द स्टेट ऑफ एंड पॉइंट्स इंक्लूडिंग एडवांस कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट सर्वर एंड पॉइंट्स। क्या इशूज आते हैं, डिफिकल्ट टू मैनुअली आइडेंटिफाई सिस्टम्स दैट रिक्वायर OS माइग्रेशंस, अपग्रेड और रिप्लेसमेंट्स, क्योंकि आप लोग, मतलब आप लोग इन द सेंस एंड यूजर उसे नहीं समझ पाता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली अवेलेबल टू ट्रैक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसेट्स, टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजिंग रिमोट ऑफिसेस विद हाई ऑन साइट IT सपोर्ट कॉस्ट, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, तो इसलिए हम ऊपर भी उसमें देख रहे थे हमारी कॉस्ट, ऑल्दो SAM में मतलब बचती है बट कहीं ना कहीं हमारी आके लग भी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। लेकिन करो क्यों, करो इसलिए क्योंकि ये एक तो आपकी वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज कर लेता है इजीली और ऑटोमेटिकली रेमिडिएट कर देता है ऑल द नेटवर्क एंड पॉइंट्स, एस्टैब्लिश एंड इन्फोर्स कॉन्फिगरेशन पॉलिसीज अक्रॉस द एंड पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूट एंड अपडेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, व्यू, मॉडिफाई एंड ऑडिट प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका जो एंड पॉइंट मैनेजमेंट था उससे क्या हुआ, आपका एक तो क्या हुआ, अच्छा ये तो था आपका कि क्यों यूज करो आप, है ना, आपको पता चल गया आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और गलतियां पता चलेगी तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे, इसीलिए तो इसलिए आपने करा एंड पॉइंट मैनेजमेंट। एंड पॉइंट मैनेजमेंट मतलब एंड पॉइंट पे मैनेजमेंट हो रही है आपकी। अच्छा, और इससे ना एक बेनिफिट ये भी होता है
कि अगर जैसे सपोज आपने एंड पॉइंट पे ही आपने अपना वो लगा दिया, सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा दिया, तो उससे होगा क्या, उससे ना आपको पहले से भी पता चल जाएगा कि अगर सपोज कोई चीज है जो आपको मतलब एंटर करने वाली है इन योर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम, तो वो आपको पहले से ही अलार्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है की बेनिफिट्स ऑफ एंड पॉइंट मैनेजमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, हैंडल विंडोज, यूनिक्स एक्सेट्रा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर ग्रेटर कंट्रोल, स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स टू ड्राइव इनकंसिस्टेंसी, टू ड्राइव कंसिस्टेंसी, स्ट्रीमलाइन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टू सिंपली कंप्लायंस। ऐसे कुछ बहुत हमारे वो हैं सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं हमारे। बेसिक हमारा यही हो रहा है कि हमारी जो डेली सिक्योरिटी नीड्स हैं वो हमारी फुलफिल हो रही हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जो आपकी इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम दैट प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम डूइंग थिंग्स विद कंटेंट दैट द कंटेंट प्रोवाइजर डज नॉट विश देम टू डू। मतलब ये कि अगर सपोज कि मैंने आपको एक डेटा दिया और मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और आप हैं ऑडिटर मेरी कंपनी के, तो मैंने आपको डायरेक्टर दिया, मैंने आपको डेटा दिया और मैं चाहती नहीं हूँ कि आप उस डेटा में ना खुद से कोई भी एंट्री करें। ऑब्वियसली व्हाई वुड एन ऑडिटर बी अलाउड टू डू एंट्रीज, ऑडिटर इज नॉट अलाउड टू डू एंट्रीज इन द डेटा। तो मैंने उनको एक्सेस तो दिया बट मैं चाहती हूँ कि वो कुछ काम है जो वो ना कर पाए, तो ही कैन ओनली रीड बट नॉट राइट ऑन द डेटा। तो दिस इज द डिजिटल राइट मैनेजमेंट, जो मैं क्या कर रही हूँ उनको प्रिवेंट कर रही हूँ फ्रॉम डूइंग एनी टास्क दैट आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू डू। This means that I'll ensure that the information is controlled. ठीक है, वही बोलो, ठीक है, okay fine. Example. पढ़ते हैं एक बार। हमने एक बुक ली लाइब्रेरी से दो दिन के लिए, अब उनको दो दिन के लिए तो पढ़ नहीं पाए, तो हमने क्या करा, हमने उसकी फोटो कॉपी करा ली, लेकिन उसकी क्वालिटी जो थी ना वो पुअर आई। तो हमने क्या करा, हमने उसकी स्पाइरलिंग कराई टू होल्ड द पेजेस टुगेदर एंड परहैप्स कॉस्ट मोर, और हो सकता है हमें उस बुक की कॉस्ट से भी महंगी पड़ गई हो, है ना। बट द बुक इज इन डिजिटल फॉर्म। अगर बुक डिजिटल फॉर्म में होगी तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ई बुक है तो हमें कॉस्ट नहीं करेगी, तो हम पैसा टू पैसा जो है वुड नॉट कॉस्ट अस अ पैसा टू क्रिएट अ परफेक्ट कॉपी। तो दिस इज वेयर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कम इन टू प्लेस। हुआ क्योंकि आपने एक, जैसे अब हमने क्या करा, अब इसको अगर हम डिजिटल कॉपी को अगर हम बना लेते, तो अगर सपोज वो जो डेटा का ऑनर है वो नहीं चाहता कि इस तरीके से हो, तो परफेक्ट कॉपी ना बने, तो उसके लिए भी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना फॉर द ओनर टू मेंटेन द राइट्स। इसलिए DRM केम्स इनटू प्लेस। इट रिमूव्स यूसेज कंट्रोल फ्रॉम द पर्सन इन पोजिशन ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड पुट्स इट इन द hands of computer program. It refers to any scheme that controls access to copyrighted material using technology means. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा material है जिसपे already आपकी copyright हुआ हुआ है, तो उसको copy करने के लिए मतलब वो access को control करेगा. This is also associated with concept of data leak prevention, which is a strategy of making sure that end users do not send sensitive or critical information outside the corporate network. It is also very important. फिर हमारे पास आता है इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टोर होगा, रिट्रीव, यूज एंड देन डिस्पोज। क्यों करना है, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइमरीली फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम लीक, टू एस्टैब्लिश द अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सोसाइटी। एग्जाम्पल्स के हो गए, जैसे कोई CD हो गई, म्यूजिक CD, उसका हेल्प करना है आपको। तो फिर आते हैं हम ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में वी हैव सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन वी हैव ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। यही दो हमें पढ़ने हैं इसमें। द लास्ट टॉपिक हमारा इसका हमारा पार्ट टू का, तो हमारा पहला है हमारा ऑडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, ऑडिट करते टाइम हम क्या करेंगे, वाइल ऑडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स, रिव्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पैच मैनेजमेंट, चेंज कंट्रोल एंड द डॉक्यूमेंटेशन
तो हम क्या करेंगे, ये हमारी अप्रोच रहेगी, हमें इस अप्रोच को फुलफिल करते हुए क्या करना है, ऑडिट करना है सॉफ्टवेयर का. पहले हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन प्रोसीजर. मतलब हम देखेंगे कि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करा है, क्या ये इन्होंने अपनी जो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि हमें सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते टाइम ये ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, और फिर उसके बाद हमें सबसे पहले अपना एंड वो देखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं, है ना, उन सबको सिंक्रनाइज करते हुए क्या वो काम हुआ है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर था वो ढंग से फॉलो हुआ है, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है. अल्टीमेटली हमने जो फिर शाम में पढ़ा था सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट में, या हमने जो उससे पहले पढ़ा था सॉफ्टवेयर एक्वायरिंग में, उसी सबका एक एक प्रोसेस का हमारा फिर ऑडिट करना क्या है, एक एक प्रोसेस को चेक कर लो कि वो प्रोसेस ढंग से हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है. तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया हमारा, फिर हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि क्या इन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा था कि नहीं करा था, क्या इन्होंने देखा था कि अगर ये वाला सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो इनको हार्डवेयर भी लेना पड़ेगा नया वाला, लेकिन अगर ये वो वाला सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो इनको हार्डवेयर नहीं लेना पड़ता, इनके पास ऑलरेडी कंपैटिबल हार्डवेयर थे. ठीक है, डेटा सिक्योरिटी चेक करी थी इन्होंने कि ये जो सॉफ्ट ये जो लगा रहे हैं इतनी कॉस्ट, उस पर डेटा सिक्योर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. सब अगर डेटा ही सिक्योर नहीं हो रहा तो देन कितना भी सस्ता सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, आपका सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया. फिर आता है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ द चेंज सॉफ्टवेयर, क्या आपने टाइम देखा था कि आप किस टाइम पे चेंजेस कर रहे हो, माइग्रेशन कर रहे हो, क्या आपने देखा था कि वो आपके कस्टमर्स के लिए लीस इफेक्टिव टाइम है कि नहीं है, आपके लिए लीस इफेक्टिव टाइम है कि नहीं है. क्योंकि अगर आपने जो ट्रांसलेशन करा, अगर आपने वो ट्रांजिशन जो करा आपने एट द टाइम ऑफ दैट टाइम कर दिया आपने, जब आपके कस्टमर्स अफेक्ट हो रहे हैं, जब आपकी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रही है, तो इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक कि आपके तो ऑडिट, मतलब जो आपका ऑडिट होगा उसमें देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि आप, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि आपने ऐसा कैसे करा. देन आपने कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट चेक करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड मेरे यूजर अकाउंट्स थे उनको मुझे सेम इसमें भी सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सेम लेवल ऑफ एक्सेस देना है कि नहीं देना, और बाकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें आपको चेक करनी है इसमें कि व्हाट रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल बाय डिफॉल्ट टू ऑल यूजर्स. ऐसे भी कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं जो मुझे चाहिए कि सारे यूजर्स एक्सेस करें, और कौन से डिवाइसेज हैं जो मैं चाहती हूँ कि कुछ सिस्टम्स पे पेन ड्राइव लगे ही ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना पड़ेगा. रिव्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग. क्या करोगे आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस देखोगे कि जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं, कि आप उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हो. मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि आपने जो भी करा उसको ढंग से मैनेज करना, एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग एंड लॉगिंग ऑफ ऑल द जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके एंट्रीज हो रही हैं, एवरीथिंग टू बी रिकॉर्ड. ठीक है, तो करेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर सपोर्टेड बाय द वेंडर, वेंडर्स मेंटेनेंट एक्टिविटीज आर लॉस्ट. आपको जो मेंटेनेंस हो रही है उसकी एक्टिविटीज को भी लॉक करना पड़ेगा. देन वी हैव रिव्यू सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, देखो कि क्या आपके हर जगह लॉक्स मेंटेन हो रहे हैं. रिव्यू एंड टेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको रिव्यू करो, टेस्ट करो, देखने के लिए कि आपका क्या कंट्रोल है, आपका क्या एडिकेसी ऑफ कंट्रोल है आपके वेरियस मेथड्स में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपका कंट्रोल कैसा है. बेसिकली ये चेक करना है कि आपके जो प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं, आपके ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सब चीज़ें. देन व्हाट डू यू हैव टू डू, हैव टू रिव्यू ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन एडिशन डिलीशन और चेंजेस टू एक्सेस ऑथराइजेशन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. मतलब ये कि अगर आपने कोई ऑथराइजेशन में ही चेंजेस कर दिया, पहले एक पर्सन था जो ओनली रीड एंड राइट कर सकता था, अब आपने उसको डिलीट का ऑप्शन भी ऐड कर दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसा करा हुआ है, कैसा नहीं करा हुआ. देन वी हैव रिव्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फॉर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू सर्कमवेंट लॉजिकल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल. तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है चीज़ों की. तो आपको ये चेक करना है कि एज एन ऑडिटर कि आपके क्लाइंट ने सिस्टम के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोविजंस अप्लाई करे हैं अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में. ठीक है, फिर हमारे पास आता है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट. अब हम सैम को कैसे आइडेंटिफाई वो करेंगे,
कि शाम का मतलब ऑडिट कैसे करेंगे कि ढंग से हो रहे कि नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफाई नॉन यूसेज ऑफ एप्लीकेशन. तो अगर हम देख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है वो तो पिछले 5 साल से यूज ही नहीं हुई, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप उसको यही बोलोगे ना, जब आपकी एप्लीकेशन यूज ही नहीं होती तो आप उसको हटाओ. आइडेंटिफाई द यूजर्स जो दैट हैव नॉट यूज द एप्लीकेशन फॉर 60+ डेज, तो आप उनसे पूछ लो भाई आपको काम करना है इनसे कि नहीं करना है, आपका काम आएगा कि नहीं आएगा. घर पे भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई चीज़ पड़ी होती है, पड़ी रहती है, फिर बाद में हम देखते हैं यार ये चीज़ तो काम ही नहीं आती, इसको फेंक दें क्या? तो फिर पूछ लेते हैं ना एक बार कि यार फेंक दें इसको कि पड़ी रहने दे, तो हम बोलते हैं कि हाँ फेंक दो, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार हो सकता है काम आ जाए कभी. तो इंश्योर दैट यूजर्स आर यूजिंग द करेक्ट वर्जन. अब ऐसा ना हो कि आपका जो आप काम कर रहे हो वो पुराने वर्जन पे ही करे जा रहे हो, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको चेक करनी पड़ेगी. अपडेट ऑडिट रिपोर्ट, रन अ न्यू इंस्टॉल रिपोर्ट एंड ऑब्टेन अपडेटेड कंप्लायंस फिगर्स. रिकमेंडेशन ऑफ रेक्टिफाइंग एनी नॉन कंप्लायंस फॉर परचेजिंग न्यू लाइसेंस. उसके बाद हमारा जो है वो हम बाकी तो उसमें पढ़ेंगे. तो अब पॉइंट ये आया कि अब हमने जो पढ़ा सारा, हमने सॉफ्टवेयर का पढ़ा, तो इससे हमारा एक पहले हमारा हार्डवेयर वाला क्लियर हुआ था, अब हमारा सॉफ्टवेयर वाला क्लियर हो गया. अब हमारा जो अच्छा, अब उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अभी सॉफ्टवेयर वाला हमें समझ में आ गया होगा आपको. तो अगर अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप मेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मेरी है ऑलरेडी आपके पास, मैंने पिछली वीडियो में दी थी, caprerna@gmail.com. और अगर किसी को लगता है कि कोई और डाउट्स है तो आप मतलब कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन है आपकी आप बता सकते हैं. और प्लस एक और चीज़ जो था कि मेरे को इस जो मैं बैकग्राउंड मटेरियल से पढ़ा रही थी वो मैं बैकग्राउंड मटेरियल भी शेयर कर देती हूँ अभी गूगल ड्राइव पे डाल के, वो भी कर लेते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब जो हम अगला कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट 3 के ऊपर, वो भी बहुत जल्दी बनाएंगे. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.